जहां संस्कार मिले, प्यार आदुलार मिले, ममता माई से मिले, पिताजी से प्यार मिले, दादा से मर्यादा मिले, नेह बहन भाई से मिले, कवन घराना कैसन तेवर कैसन के कर पानी, भोला हर इंसान के लहू में भी असर खानदानी, आन से भी न्यारा खानदान, चान से भी प्यारा खानदान, चाहे पीएम हो खा अफसर नूरानी, नाम खानदान से ही लोग पहचाने, जियला भर तो हो राके दुनिया बखाने, मुआला पर दे परिवार पिंडा पानी, चहकत बिहसत रहे लोगवा मिटे नहीं निशानी, भोला हर इंसान के लहू में भी असर खानदानी, आन से भी न्यारा खानदान, जान से भी प्यारा खानदान, चलाई अब कथा समाप्त होके वाला बा, शंख भी बाज गए। अरे शिवनाथ बाबू, ए मैनेजर साहब। हाँ मामा जी। सब तैयारी हो गई बा? हाँ मामा जी, सब तैयारी हो गई, खाली तनी पूरी छाने में देरी भइल बा। अरे तो जल्दी कर बाबा, हम आरती करवा के आवा तनी। हाँ हाँ मामा जी, सब हो जाई। हाँ ठीक बा, तनी जल्दी जल्दी हाथ चलाई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। माई, ए माई, लगता कि आरती शुरू हो गई बा। बंटी गई ला कि ना? ना जाइब हम। काहे न जेबे? पटीदारी से तोनी के का मतलब? ऐसा ही पूजा पाठ में पटीदारी ना देखे के। रुद्रा भैया हॉल में बैठल बाड़न, उहे डाटा तोड़न की पूजा में नहीं जाए के। तो उजे कहिए उहे होई घर में। तू जो ना तोगनी के नया बहाना मिल जाए उलाहना देव के, कहे लगी सन की पूजो पाठ में केहू ना आए। तू जो जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा, सत्य नारायण स्वामी, सत्य नारायण स्वामी, जन पातक हरणा, जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, अद्भुत छवि राजे, नारद कर जय प्रताप यहाँ से कोई आई नहीं है, नारद करत निराजन, उनका यहाँ बुलाटा ना गई लगा। हम का जाने पूरे जिला जवार का पता बा, यहाँ कथा हा, उनका ना स्पेशल दूध भेजे के पड़ी का। चुप कर तू, दोनों माई बेटी मिल के ये घर के बर्बाद कर दे लू। कितना प्रेम है दोनों भाई में, सब खत्म हो गया, ना जाने केकर नजर लग गई खानदानी। जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी, जय लक्ष्मी रमणा। सुना मन में
बिना बुलाटा के जाता डेरे इलाका भर के लोग के हजाम भेज के न्योता दिले बा, लेकिन अपन भाई के परिवार के खबर करे में साले के नानी मरत रहे। अरे हम ही पूछत हैं कि वहाँ जाके जरूरत का बा? रोज तो हम जेबे करी ले, आज चल जाए तो का हो जाए। अरे तुम लोग को इज्जत का तनिको ख्याल नहीं है क्या रे? अरे कुत्ता भी बिना बुलाए किसी के द्वार पर नहीं आता है। तोड़ा के नहीं जाए के तब मत जाब, बाकी जगह जाए के बाद विभीषण है साला तुम, विभीषण। जो आदमी परिवार के भला ना देख सके ओकरे साथ मिल के साला तुम। हम कौन अपन मर्जी से ना गले नहीं चाचा के लगे नौकरी करे खाते। पापा कहले रहे कि जा उनके संगे जाके काम करो। इतने समझ रही पापा के तो आज उनकी हालत ना होकित, जेल में बैठ के चक्की पिसत पड़े ना। रुद्रा आज भुगते पड़ा, बाकी तू तू कौन बड़का सुख दे दले हमरा। हमार करम जल रहे जी घर में नहीं, तोरा लोग जी सब बेटा पैदा कर। तू बचपन में कहे ना नू चिता दिलू, वह घड़ी मरकल रहती तो आज दिन में देखेगा पड़ी। अरे पहले पता हो कि कपूत निकल में तब चटाइए दले रहती नू। और दूर बंटिया जाके चाट राज प्रताप के तलवा। अब पैर पुजाई का विधान बा, रउआ से जे बड़ होए ओकरा के बुलाई। अब हमरा से के बड़वाई घर में पंडित जी, माई तो अब रहली नहीं बाकी। अरे बबुआ हम अभी बाचल बानी। इतना जल्दी भूला गई लो तहर बड़ की बहिन? याद बा? अरे तरह के गोदी में खेलौले बानी। तो आई रहूँ अपन पैर पूजाएं। कैली जा जाके दीदी की पैर पूजाई की साड़ी लेकर आ। जी माता। बुआ हमू एक बात कह देता नहीं, रहुआ के पैर पूजा में जोन कुछ मिली ना वो में आधा हिस्सा हमार होई। हाँ ए दुलरुआ राजपाट के चाबी तो तू पहले ही ले उड़ल बाड़ा, अब का कुबेर के खजाना लुटबा। जिया खुश रह, भगवान तरह के लंबा उम्र देस, तरह रोजी रोटी में बरकत होके। अच्छा सुना यहाँ से निपट लिया तो तनी हमरा लग गया या। जी दीदी। कम से कम कथा में तो बैठे के चाहिए ना। कथा में हम का जाएंगे, हमार कथा तो तू हो। अरे दामाद जी हर समय जब मेरारो के अचरा में घुसल रहा तो काम कैसे चले? प्रसादी खाए और बाहर जाकर जनक के काम में हाथ बटाएं। जी अभी जात रहनी। कितना बेर कहनी हो कि काम काज में मन लगाई, रवा काम काज में मन लागत नहीं खे। दामाद जी समझे के कोशिश कर, हमरा के चार गो बेटा नहीं खे, एगो मानिया बाड़ी एगो संजय, संजय तो पड़त बाड़े, इतना बड़ा कामकाज के संभाले, रहुआ के संभाले के बाना। जी सासुमा धीरे धीरे हम संभाल ले, रहुआ चिंता मत करें। ये बंटिया और रुद्र तो चाहता कि तू दोनों नकारा निकला ताकि धन संपत्ति पे कुंडली मार के बैठ जाए। जाए रहुआ देखी बाहर का होता। जी ए मान्या आरती में बुआ जी तोरा से का पूछत रही? पूछत रही कि छुटका चाचा के यहाँ खबर गईल बा के ना। उनका के मन में तो उहे परिवार बसल बा, ये परिवार के तो देख ही ना सके, बेसी मुमत लगी है उनका के, एक नंबर की डाइन हम भतार के तो खाइए गेली, तोरा के कुछ कर दे। प्रसादी उठावा बाटे के बा। दीदी इला परसा आ का बात हो, काहे बुलेलु रहू? ए बाबू जाए के परिवार के खबर ना भेजौले रहला का। देखो
भाई के परिवार हा, आपन खून हा। जय तो बेचारा जेल में अपन जिंदगी काट रहा बा, उन लोग के ऐसे ना छोड़े के चाहिए। दीदी कैसन बात करता रहो तू, खबर जरूर गई हो। तो फिर कोई आयल है कहे ना, ना छोटके दुल्हन, ना रुद्रा, ना बेटी। अच्छा दीदी तू एक काम करा, तू अपन रूम में चला, हम अभी पता करता, ठीक है? हाँ बाबू जल्दी पता लगावा, ये सब जब परिवार में हो रहा बा ना, हमरा नहीं खे अच्छा लगा। सुमित्रा, सुमित्रा, का बात है? काहे गला फाड़ता नहीं? ये जय के परिवार में खबर ना गई लो का? ढिंडोरा पिटवा के खबर करवावे के पड़ी का? समूचा जिला जोया जाना था कि आज यहाँ घर में पूजा बा, उनका के पता नहीं के का? अरे कहीं जाके मुहावे से कह दे तू तो का बिगड़ जाए? ए दीदी जेकरा आवे के होई आई, जेकरा ना आवे के होई ना आई, हम केकरो पुछारी करे ना जा। ए दुल्हन तू बड़ हो, पुछारी करके तू तो छोट ना हो जाए तू। दीदी रउआ सब जान के अनजान बनता नहीं, मन्या के ब्याह में कैसन कैसन नाटक नौटंकी ना कैले तू लोग भुला गई ली का? हम कुछ नहीं भुलाई, बाकी तोहनो लोग के तो चाहत रहे कि जय के बड़ बेटी घर में बैठल बिया आ तू लोग अपन छोट बेटी के बिया तय कर दिल लो, ओकरा बुरा ना लगी? लागी तो लागी, केहू का करी? अरे उनका तो अपन बेटी खातिर राजा महाराजा चाहिए, हमरा के जैसन मिलत हम अपन बेटी के ब्याह कर देनी। पूरा गांव तो थू थू करता कि बड़ बेटी तो घर में बैठल बिया आ छोट बेटी के बिया हो गई, का नाक रह गल खानदान के, मुंह में करिखा तो पोतवा देलु। दीदी अरे कितना लड़का तो देख ली, बाकी उ लोग को पसंद नहीं खावत तो का करी? ए बबुआ अब उकरा लगे पैसा नहीं खे तो का अपना बेटी के भिखारी के संगे बांध दी? कुल खानदान के मर्यादा भी तो कोई चीज होला ना? तो रखे बेटी के अपन घर में बिठा कर, ए में दुनिया जहान का करी? काहे ना करी, ये मत भूला कि अभी बंटवारा नहीं खे भइल, कुल संपत्ति में अभी ओकर बराबर के हिस्सा बा। तो बंटवारा कर ले लोग, केहू रोक ले बा? चुप रह तू। काहे काहे चुप रही हम? कोनो गलत बात कही नहीं हो का? हम कहता नहीं ना तोरा से, चुप रह तू और जा यहां से। हम चुप ना रहब। हाँ हाँ काहे के चुप रहबो, बड़का लाड साहब के घर से आयल बड़ू ना। बस हो गल दीदी, तू हो चुप हो जा, बेसी बात बढ़ावे की जरूरत नहीं खे। अब हमरा का पड़ल बा बेसी बात बढ़ावे के, जे बुझाए से कर लोग। अरे हम का करी, हम हो तो यही खानदान के बेटी है ना, जब कुछ ऊंच नीच देखे नहीं तो हमरा से चुप ना रहल जाला, आ हम ना चुप रह, हम बोलबे करब, बुझला? भगवान दुनू भाई के सुबुद्धि देस। प्रणाम बड़का बाबा। अरे बंटी मंटी खुश रह, खुश रह। कहाँ रहला तू, शाम से दिखाई ना दिला? बाहर भंडारा की तैयारी करत रही है। अच्छा 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 अच्छा, अरे कैली, ए कैली। जी वाली। मलकिन को बोल के बंटी आयल बा, कपड़ा लत्ता लेके आवे को बोल। जी। दीदी मालिक रहुआ के नीचे बुलावलन है। काहे अब कौन आग लग गई? ओ बंटी बहुआ जी आइल बाड़न। तो हम का करी, आरती उतरियो कर, जा जाके कह दे अपन भतीजा के मुंह चाटस बैठ के। ओ बंटी बहुआ जी के कपड़ा लेके आवेला कहलन। भाई अब भतीजा के पीछे सब कुछ लुटा देला, तबो के हूँ नाम लेवे वाला नहीं खे, जाने कब आंख खुली इनकर। अब खड़ा कहे बाड़ू, उठावा कपड़ा और ले जा। ऐसा नमक हराम भाई भतीजा हा, ता ही हाल बा। अच्छा रतसन,
चल ना। तो का करती? गुड लगाते हैं। खुश रहो। काहे बंटी माई काहे नहीं लिया? उनका के पता रहे ना कि आज घर में सत्यनारायण भगवान के कथा है। माई की तनी तबीयत खराब रहे। तबीयत खराब रहे कि बुलहटा के इंतजार करती रहनी हो। सुमित्रा ऐसी बात मत कर, कपड़ा दो। एक आईली कपड़ा ला। ये तो हार हो, ये रुद्रा के, ये स्नेहा के और ये तो हर माई के। जा जा जी के दे दे। बस 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 ठीक है, खुश रह। जा नीचे जाके खाना खा। चल अब मुंह लटका के काहे बैठल पानी। जाए अपन भब्बो के खाना खिलाए। रुआ भब्बो के तबीयत ठीक नहीं खे। कैली जा गिलास पानी ले क्या? जी देखी कहीं गला में पानी ना अटक जाए। चला चला जल्दी जल्दी बांटा। रातवारी रातवारी है काम करवा खा। दस 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 सबके दे दे जल्दी से। तुहार नाम का वा हो? हाँ मेहमान सबके नाम लिख ले जाए। हम लिखो तई। हाँ चला। बाप रे बाप, अब जाके सांस में सांस आई। चला ये जोगी तू लेके जा आराम कर, तू थक गेला हो। अरे हाँ हाँ बाकी जे बाचल बा ओकरा के सरिया देता नहीं। अरे मिनिस्टर साहब आप कुछ नहीं सरियाई जे लेवे के बाबू ले लई। यहाँ भूखा नंगा के कौनो कमी नहीं खे। जरा सा नजर हटल की थरिया लोटा सामने से गायब। थरिया लोटा तो इजा लौटते नहीं खे। अरे मनेर साहब तू जा ना, देखे समझ में आई तो के। अरे केकर थरिया लोटा गायब हो गए मामा। अरे वाह बड़ा बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिले। बड़की माई के लूट ले लो का? ले ला यहां से भी दो चार को साड़ी धोती काम आई माई बाबू के। ए मामा हमरो बुझाता कि कहां से बोलता है जे कंबल उड़ के घ्यू पियत रह ना अपन बहन के ससुरारी में। चौन दिन भांडा फूट गई भागे के पड़ी ऐसा से तनी दो चार को धोती साड़ी तू बचा के रख ला। मुंह ढक के भागे में काम आई। अरे बंटी बाबू मामा जी मजाक करत रहलन और तू सीरियस हो गई ला। अरे हम तो मजाक करत नहीं है जीजा। विश्वास नहीं किया तो मामा जी के भगा के देख ला साड़ी में बहुत बढ़िया भागे ला। का मामा ठीक कहत नहीं ना हम याद नहीं हम। हारण के मारो था ये आयल बा लखन सिंह आयल बा। लखन? हाँ लखन सिंह तू जय प्रताप के साथ ही जेल में रहे कैसे छूट के आ गई?
मैया। क्या भैया, अपन छोट भाई किताब भुलाइए देनी। अरे नाना, ऐसा बात नहीं के, अब आप बैठ। प्रणाम भौजी। अरे प्रणाम करतानी भौजी। अपने तो हमरा के नहीं है पहचानत, छोटका देवा रही हम। जय प्रताप, जय प्रताप के बचपन का दोस्त लखन सिंह। का भौजी, हमनी के मर्डर चार्ज में जेल चल गई राउर के इज्जत बचाव खातिर। बाकी रउआ एक को दिन देखा ना आई कि का हलवा हमार अजय प्रताप के जेल में। अरे का करे तारू, जा चाह पानी का इंतजाम करे। आवा लखन, बैठ बैठ। कब छुटला जेल से? बस छुटिए गई नहीं भैया, आ जाए छुटनी। सीधे जेल से छूट के यहां आवा था। जय प्रताप ना, उनका रिहाई ना हो सकल। काहे कि जो कोर्ट 5 लाख रुपया फाइन जमा करवावे के कहले रहे, जमा नहीं थे ना भाई भैया। ये बात तो हमारे दिमाग से एकदम में निकल गए रहे। ठीक है कहल जाला भैया, हमनी के भौजाई की इज्जत बचावे के खातिर जेल चल गई। रउआ के दिमाग से उतर गए, कैसे कैसे कह के हम 5 लाख रुपया अपन जमा करवाईनी तो जेल से छुटनी है। खैर, एक हिसाब किताब हम बाद में करब भैया, पहले जय प्रताप के छुड़वावे के इंतजाम करी। ना तू चिंता मत कर, हम कल ही कुछ कर देंगे। अरे जनक देखा तनी चाय बन गई। ना भैया ना, बस अपन घर चाय नाश्ता तब कर भाई कर। हवा चल। अच्छा भैया चला तन। हमरा और जय प्रताप के 10 साल बर्बाद हो गए भैया। 10 साल में कितना कुछ बदल गई बा। चला तानी, प्रणाम। रुद्रा कर रघु, टाइम है तुम्हारे आने का? अरे यार टाइम को मारो गोली, ऐसा न्यूज लाए हैं। क्या हुआ? लखन चा जेल से छूट के आ गए हैं। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, अभी उनसे मिल के आ रहे हैं। माई, माई, सोनू,
माई माई स्नेहा, अरे कोई दिखाई ना दे, कहां पड़े सब रे? कहां बात भैया? पापा कहां पड़े? अरे बोलत काहे नहीं खो? घरे नहीं लेन का? माई माई पापा तेरा मालूम नहीं खे कि वो कहां बड़न? जेल में तो लखनऊ चाचा रहन, वो तो छूट के आ गए लेन। लखन चाचा जेल से छूट गए लेन? हम आवत हैं। गोपाल जी, जब से ब्याह का कहनी एक को सुख ना देखनी, बड़ा कष्ट से अपना बाल बच्चा के पाल पोस के बड़ा कहनी, अब और बर्दाश्त नहीं के और कासने कौन पाप कहले रहनी वो जिंदगी में चला जल्दी करा, देर होता। मैनेजर साहब। हाँ। अरे पासबुक लिए हैं? हाँ हाँ। चलिए चलिए बैठिए बैठिए। ए जनक, सुनाता, कहाँ जाते हो सवेरे सवेरे गाड़ी लेके? हाँ। अरे बैंक जाते नहीं दीदी, पैसा निकाले के बाद। आज शनिचर है ना, 12 बजे बैंक बंद हो जाला, देर होगी तो सब खेले खत्म हो जाएगी। ऐसा का अर्जेंट हो गई कि बैंक से पैसा निकाले के पड़ा था? का बात करत हो? जीजा जी तोरा से कुछ ना बतेलन का? जीजा जी तोहार हमरा के सब बात बतेबे करते तो कौन दुख रहे? उनके आंख पे तो पर्दा पड़ल बा, रात ऐसे गुम्मी साधले पड़न। जय प्रताप के जेल से छुड़वावे खातिर 5 लाख रुपया कोर्ट में जमा करवावे के बा, उहे पैसा जीजा जी बैंक से निकाले के कलन। बाप रे बाप, इतना बड़ बात भी तोरा से जीजा जी नाम बतेले? ओहो, उहे कही कि रात ऐसे गुम्मी का है साधले पारन, अपन भाई के पीछे पैसा लुटावे में तनिको सोचे के ना पड़ी, और हम जब 5 पैसा अपना खातिर मांग ली तो हाथ दे दुखाए लागे। ये सब छोड़ो, अभी बतावा हमरा का करे के बा, ना तो बैंक बंद हो जाई। चुप, नमक हराम रही का, हमरा के काहे ना बताइले? अरे तू हमरा का बता, इतना इंपॉर्टेंट बात जीजा जी तोरा से ना बतेलन? हमरा तो दोनों तरफ से जूता खाए के बा। तो हैया हौलत को। अरे तोरा के हम पाल पोस के रखले हैं कि ऊ रखले बारे, कहीं हो जाए के जरूरत नहीं खे, अभी पूछता नहीं उनका से। हाँ तो जाई जल्दी से क्लियर करके बताई। तो भाईल पैसा जमा। अच्छा हाँ सर, दे पर तो 4-6 महीना और जेल में सर। सुनीता, ऐसा कौन काम आ गई कि बैंक से पैसा निकाले के पड़ता? तू जान के का करबो? तोरा पास हो तो उधार दो, 2-4 दिन में वापस कर दे। हम रउआ जैसन धन्ना से नहीं खी कि अपन खून पसीना के कमाई दूसरा पर लुटा दी। केकरा के दूसर कहता रू? अरे हम अपना खातिर मांगत रू, हमरा के जितना बुड़बक समझी ले उतना हम नहीं खी। हमरा सब पता बा कि पैसा केकरा पीछे लुटावे के बा। पता है तो पूछत काहे बा? काहे ना पूछी? ये पैसा में हमरो खून पसीना लागल बा, ऐसे पैसा ना लुटावे दे। बेकार में दिमाग मत खराब कर हमार। 10 साल से हमार भाई जेल में पड़ल बा, केकरा खातिर? मना करे के बाद भी चल गए ना मेला देखे? वो दिन अगर जय प्रताप हुआ ना होते तो उठा के ले गए रतन तरह के।
बात करता रहा। तोरा तो जय प्रताप के एहसान मंद हो चाहिए। अरे अगर आज ही 5 लाख रुपया कोर्ट में जमा ना भइल तो जय प्रताप के 6 महीना और जेल में रह के पड़ी। हाँ तो लाखों रुपया तो लग गई केस लड़े में, और कितना रुपया बहावे के पड़ी, 6 महीना और जेल में बितावे के पड़ी, तो कोनो पहाड़ ना टूटी। मन करा तू अपन परवचन पर जा यहां से, हमरा बेसी अकेले देवे की जरूरत नहीं है। दीदी अरे तू अभी तक गई ले ना, 11 बज गई, 12 बजे बैंक बंद हो जाई। दीदी हमरा के तू जन्म के लतखोर बाड़े, एक बात कान खोल कर सुन ले जनक, अगर हमरा ये काम ना भई ना तो हम जूता से जूती आप तो रखे। अब अरे क्या डाला तने, जा यहां से। रवा के तू जा यहां से, हमरा काम करे के बाद जा। आग के रहते जे अंदर हो जाला, ओकरा के भगवान भी ना बचा सकेला। रखिया भाई भतीजा के छाती से सटा के, जब पीठ पर छुरा भोंकी तब आग खुली। ठीक है कहावत है, औरत की तिरिया चरित्र के आगे सब फेल है। उसके लिए तुम्हारा बाप जेल चला गया और वह सब अब अरे उसको तो हम कबे ठिकाने लगा देते, बस अपन माई के मुंह देख के हम चुप रह जाते हैं। रुद्रा तुम्हारे दादाजी कुछ नहीं कहते हैं उसको? अरे वह ठीक रहते तो कौन दुख था, वो भी इनके तरफ मिले रहते हैं। सब घर का एक कहानी है रुद्रा। बाकी सुन, छोड़िए मत चचवा के, सीधे उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करके खींच लिए। भीख मांगे से दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। और सुनो ये मत भूलो कि उस संपत्ति में तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा है। ये मत भूलो संपत्ति में तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा है। एक पेट से पैदा हुआ है दोनों भाई, बाकी एक दूसरे को देख नहीं सकता है। यह ऐसे न हुआ था महाभारत। दिमाग खराब है तुम्हारा, सब कुछ माटी में मिला दिया तुम। तुमको पता था ना क्या शनिचर है, 12 बजे बैंक बंद हो जाता है, इसीलिए तुम्हें कल रात को बोले थे ना कि जल्दी उठ के बैंक चले जाना, बोले थे कि नहीं बोले थे? बाबू बना है के रख ले बारू अपने भाई खाली खाए के बाद और पैर पसार के पड़ रही के बाद का कहता नहीं रहुआ। अपन घर द्वार छोड़कर नौकर जैसन खट था यहाँ, ये नहीं के कहा ऊपर से ओकरा पे हाथ उठा दे नहीं रहुआ। तो का करी, आरती उतारी कर। कल इतवार बा बैंक बंद रही, सोमवार का पैसा निकली ना। जय के जेल में रहे के परी तेमा जनक के का दोष बा, जाई जाके हवेली गिरवी रखवा दी, के मना करता। तो आर बस चले यहू करवा दे तू। हाँ हमरे कारण सब होता, सबसे बुरा आदमी ये घर में हम ही तो हैं। अरे हाथ जोड़ो तनी तरह के, बंद करा अपन नौटंकी और तू जा यहां से।
अब हथियार जैसन खड़ा का है बड़ा अपन बोरिया बिस्तर बांधो जा अपन घरे यहाँ आदमी के कौनो इज्जत नहीं के मरद है लोग के चल जोगी, बड़े पापा को बुला के लाओ। रुद्रा भैया इल्मी। भतीजा से मिले जाता नहीं जाए गोद में बिठा ली उनका के मरब तो उहे गंगा जल डाली मुंह में ठीक है बोला का बात लखन चाचा जेल से छूट के आ गेलन पापा के का भाई जय प्रताप भी दो दिन में आज दो तीन दिन का है आज का है ना खबरदार जो जीजा जी के हाथ लगे लता ए चला चुप रह तू एक माथे में तो खून जमा रहे कुल के ख्याल है ना खानदान के अंदर जा नौटंकी करते हैं आप भाई को छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपया नहीं आपके पास में खानदान का ख्याल है आपको कल सुबह का इंतजार कीजिए इस खानदान के चिराग को नहीं बुझा दिया तो मेरा नाम भी रुद्रा नहीं अरे दादा रे दादा मार दिला उनका के मार दिला दीदी रुका मनिया तू खड़ा कहां पर जल्दी से पुलिस के फोन कर इस साले के भियो के बाप के पास जेल भेजे पुलिस ए कह ली अरे का बोल रे केकरा के फोन करत रहली पुलिस के फोन करत रहली और केकरा की करी देखनी ना गोली चल गई ठीक बा गोली चलल रहे पर लागल त केहू के नहीं ना अब पुलिस आके का करी पुलिस आके क्या करी का करी पुलिस आके डांड में रस्सा लगा कर ले जाएगा तब समझ में आएगा उसको बाप पहले ही जेल में बैठल बा अब एकरो के जेल में भिजवाए में लागल बड़ा सन कितना समझौनी की ओकनी से लड़ाई मत मोल ले ओकनी के पैसा के गर्मी में कुछ कर सके लस अरे कुछ ना होई माई इतना आसान है क्यों के जेल भेजल का अजीब आदमी हो तुमसे पैसा निकलवाने के लिए कहे और तुम गोली चला दिए अब उदेगा पैसा सब काम खराब कर दिए हो तुम का करे को देखते ही तरवा कलर कपार पे चढ़ गया पहले पैसा निकलवाना चाहिए ना जानते नहीं हो कितना हरामी आदमी हूं पुलिस बुला के बैठा लिया होगा तुम जाओगे और तुमको टांग लेगा सब अभी परिवार का मामला है हम कुछ बोलियो नहीं सकते साला हमको जो करना था वो कर दिया लखन चा अब आपको जो करना आप कीजिए ठीक है वो तो हम देखभाल करेंगे विनय तुम क्राइम किए भी तो शनिचर के दिन कल इतवार है अब जो होगा सुमारक न होगा अच्छा सुनो अब कुछ भी करने का जरूरत नहीं है नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा सीधे जुगिया टोला जाओ मुहे बैठे रहना घर जाओगे तो कोनो भरोसा नहीं कि पुलिस उठा ले
आइए आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। अच्छा किया कि आप आ गए। पहले ये बात बताओ कि गोली किसको लगा है? थोड़ा सा से बच गए, वरना वो तो अपना जानते हैं चूके निशाना लगाया था जीजा जी। माई ए माई, अरे पुलिस लाइल बा। एक काम करे भैया की जगह खबर कर दे कि घरे ना आई है। चलो जान माल का कोई क्षति नहीं हुआ ना भाई, हम तो समझे थे कि राजबाबू का खेले खत्म कर दिया सब। क्या बात करते इंस्पेक्टर साहब, जीजा जी को कुछ हो जाता तो हम पहले आपको बुलाते कि पहले उस राक्षस का वध करते। लड़का के हमरा फांसी पर लटकावे के तैयार बरा सर, हमर लड़का सीधा ओकरा छल पर पंच ना आवे, सब मिलके हमरा लड़का के मुआ दिया सर। बा वो तो हमरा के विधवा बनावे के पूरा पूरा इंतजाम कैले रही, वो तो हम तीज त्योहार कैले रही यही से बच गए। अरे का बोली, कोनो पहला बार है? कितना बार पहले भी अटैक कर चुकल बाबू। अरे चुपो रहा, अब लड़का से गलती होए गई बा तो का करा के फांसी पर लटकाइबू? हमरो अपन जैसन विधवा बनाइए के छोड़ा। फालतू बात बंद करा। हाँ फालतू बोलता नहीं, चुप रह तू। देखिए आपके परिवार का मामला है, एक बार केस दर्ज हो गया तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और केस जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर और इलीगल आर्म्स का बना है भाई, उसका जमानत भी नहीं हो पाएगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई मुकदमा नहीं करना है। जरूरी काम आ गया। तुम तो जनवे करते हो कि जयप्रताप की रिहाई का समय हो गया है, अब कोर्ट में 5,00,000 रुपया जमा करके रहा, बाकी किसी कारण से हो नहीं पाया, तो कल संडे है, कोर्ट बंद रहेगा। हम चाहत रहे कि 5,00,000 रुपया कोर्ट में जमा हो जाता कल सुबह सुबह बिना देरी किए। और सुनो, ये बात कोनो और को नहीं, इतना कुछ हो गई बाकी राव राख ना खुलल, कौन माटी के बनल है? अरे भतीजा आके दरवाजे पे बंदूक गोली दिखा गई, जग हसाई हो गई। और तब रुआ सुमित्रा समझे की कोशिश कर, अब जयप्रताप हमार छोट भाई हो, अपना खून, अब पैसा खातिर जेल से ना छूटी तो लोग थूकी हम पर। थूके दी, बाकी हर चीज के एको तरीका होला, हमार नरेटी पर बैठकर कोनो जबरदस्ती करी तो वो हम ना होखे दे। देखो सुमित्रा, रुद्रा भी बच्चा हो, ओकरे बात के बुरा ना माने के, गलती कही ले बाबा की। रुकी, हेलो भैया, सूते चल गई लग। सुमित्रा तेरा कठोर बनेगा ना है, अरे रुद्रा तुहार बेटा जैसन हो, गोदी में खिलाई ले बारू तू। सुनी हम हो मतारी हैं, बाकी के हो हमार मांग उजाड़े की कोशिश करी तो हम ओकरा के माफ ना कर। अरे हमार कलेजा पर चोट लागल बा, हमार बात माना, चला रुद्रा के माफ कर दे। ना ना, हमरा से ही ना हो सके,
और रघुआ एक बार कान खोल कर सुन ली, जे ही पैसा कोर्ट में जमा भाईल तो हम जोहर का के अपन जान दे दे, याद रखियो। अरे सुमित्रा सुना हमार सुमित, मामा जी ठंडा जाइए, जो हो गेल सो हो गेल, छोड़ी हटाई। कैसे छोड़ें? जीजा जी सब सब खेला खराब कर दिया। मैं तो उस साले के आज हवालात भेजिए के छोड़ दी। हवालात भेज के का फायदा, दो चार दिन में फिर छूट जाई, फिर हुए करी। मामा जी सांप जब घायल हो जाला तो वो के ऐसे ना छोड़े के चाहिए, वो और ही विजधर हो जाला। अब साला ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मामुआ साला बड़का बिस्कोपड़ा है, ओकरा से बचिए करा ना। साले का कोनो काट नहीं है, ले चाय। काट है ना, कनपट्टी पर लगा कर निशुम लाओ इधर। अरे भाई शिवा भाई के नाम पे लाइसेंस है, फसवाओगे का सबको। लो शिवा भाई। अरे ई में एकरा कोनो दोष नहीं, इस साला चीज ऐसा है, हाथ में आता है ना तो ऑटोमेटिक राजपूती बुद्धि स्टार्ट हो जाता है। देखो एक बात बता देते हैं, बाबू पहले ये लाल कोठी में बंद है और पुलिस तुमको भी ढूंढ रही है। आई पब्लिक प्लेस पर ऐसे रंगदारी में घूमोगे ना तो चले जाओगे हवा खाए। जय प्रताप सिंह नहीं है जो जेल में हवा खाएंगे, पहले तो राज प्रताप के पूरा परिवार के ठोकेंगे, उसके बाद उतर जाएंगे बिहड़ में, फिर पकड़ते रहे साले। ए भाई तब तो हम लोग को भी लेते चलना, मिलके जंगल में मंगल मनाएंगे। तैयारी शुरू करो, वैसी देर नहीं है और जल्द हम राज प्रताप के पूरा खेला खत्म करने वाले हैं। मालिक मालिक जय मालिक तो आ गई ले। हम अपना आंखी से देख रही हूं, वो जेल से छूट के आ गई ले। बुआ जी बुआ जी। अरे का चीची आता रे बोल। बुआ जी जय मालिक आ गई ले। का हाँ ललन हमरा से कल सा। हे भगवान हे भगवान, हम लेका आ गई। अरे एकरा देखे खातिर हमार आग तरस गई। ललन हे भगवान। पैसा तो कोर्ट में जमा ना भाई, तू छूट कैसे गए? हे रघु ला गाड़ी ला अंदर पापा के ला। We'll be right back.
लाल हमर बेटा, अरे तू आ गई ना, हमर तो कलेजा फटत रहला, अरे हमर बच्चा, हमर बच्चा, अब तू कहीं मत जाइया, अब तू कहीं मत जाइया, मत जाइया तेरे नाम। दुल्हन आरती उतारे हो, अरे 10 साल बनवास झेल के आयल बा हमर राम, आरती उतारा। Thank you.
से। आओ चल। अरे चलो लोग अंदर चलो, थकल हुई। ए रघु, लाओ तूने लिया बंदूक, आज खुशी का दिन है, लाओ। सादले पानी का भैल भरत मिलाप ना भैल जाए रवा जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरे। बड़ा शौक रहे पुछारी करे के भाई मुंह पर थूकल चल गए। अब का मुंह दिखाएगा दुनिया के सामने? मुंह दिखावे लायक रहे कहां दिल तू जे मुंह दिखाई। हाँ हाँ सारा दोस्त तो हमरे में बा, रवा दोनों भाई ते दूध के धुलल है ना। दूध के धुलल तो तू हा, भाई के भाई से अलग कर दे। मन नहीं खे मानत तो जाई जाकर गोर धर ले होकर। गोर तो हम तो हार पकड़ा थे, तू जा यहां से पर हमरा क्या अकेला छोड़ दे। जा तो जाता नहीं, हम जाता नहीं और खूब मन लगा कर रो ली हल्का हो जाए। चारे कर तो इनका के पैसा देवे से मना कर दिले रहे तो चोरी छुपे पैसा पहुंच कैसे गए? यही तो हमका समझ में नहीं आवत, इतना पैसा ओकरा पास आयल कहां से? पैसा दबा के रखले हुई है, खाली दिखावे के खातिर हाय हाय करत रहला लोग के सामने। हमरा तो लगता रुद्रा भैया कहीं डाका डल्ले हुई है। चुप रहो, बेसी मत बोला। आदमी के पास जितना दिमाग होगे उतना ही बोलेगे चाहिए। लखन सिंह कहीं से पैसे का इंतजाम के लिए हुई हम? इनके रुद्रा भाई जी डकैत लागत हुन। वही तो, हमरा तो वो एक आंख ना भाई, एक नंबर के हराम खरा, भीख मांगत फिरत रहा है। तोहर बाबूजी अपने यहाँ काम पर लगे ले और वो जय प्रताप ओकर दिमाग खराब कर देलस, भाग गए काम छोड़ के अपन धंधा शुरू कैलस। तू लोग सावधान रही हा, दोनों जना जेल से छूटकर आ गए बा। शांत ना बैठी। शांत ना बैठे तो हम शांत कर दे। सब लोगों के झाड़ फूक हम खूब जानी ले। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हम रहुआ के एहसान जिंदगी भर ना भूल सा। कैसन बात कर रहा है? तुम्हारा बाप हमारा भाई जैसन है और तुम हमारा बेटवा जैसन। तुम्हारा बाप और हम लंगटे घुमा करते थे, तब का साथ है। भाई तो राजू प्रताप है, सहोदर भाई एक मतारी के पेट से पैदा हुआ है, ऊ कहे पलट गया। अरे ये कोई नया बात नहीं है रुद्रा भाई, ये भाई की लड़ाई में इतना बड़ा महाभारत हो गया था। महाभारत तो अब होगा चाचा, एक एक चीज का हिसाब लेंगे हम, अपन बाप के 10 साल के हिसाब, अपन माई के एक आंसू के हिसाब। जा रहे तू यहां से? ए जाओ तू लोग उधर। सुन ये हमरे आदमी हमारे, सबसे पहले ही ममुआ का इंतजाम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा काटा हुआ है साला, एकदम अपन बहन के छपले है। बोलिए ना चाचा, एक दिन कंबल उड़ाते हैं रात में उसको। ए चुप, लड़क बुरबुर करने का कोई जरूरत नहीं है, उसका भी समय आएगा। अरे इतना दिन बाद जयप्रताप घर आया है, जरा शांति से रहने दो उसको। चल जा, सोचने दो हमको कुछ, कुछ बाप की सेवा हुआ करो, 10 साल बाद घर आया है।
रुआ खाती दवाई बना देले बनी आई पीली। उठौलू नाम रखा थे हो सके तो हमरा माफ कर दी। दवाई ली रुआ चिंता मत करो हम एकदम ठीक बने। सब पता बा हम जेल में रही बाकी आके सब समाचार मिला था। जाय दी समझा किस्मत में लिखल रहा ये दुख झेले के। बड़का भैया से ऐसा उम्मीद ना रहे पता नहीं वो कैसे बदल गए। तोरा के घर से बेघर कर देलन से हमर बाल बच्चा के टूर बना देलन से। देखी रुआ बेसी सोची मत इतना दिन के बाद घर आई बनी आराम करे। अरे ई का करत हम अपन धर्म पूरा करत हैं ना। अपन धर्म पूरा कर दिलो हम ही अपन धर्म ना पूरा कर पहले बीच मजधार में छोड़ के चल गए तो हम समझ सकेले तो हर दुख दिन के बाद ही नहीं है तू रो पूरा के रोता देख हम आखरे जा फट कोशिश कर 10 साल के सब कमी पूरा कर हमारा कम अब दोनों भाई में पट्टे वाला नहीं खे लड़ाई झगड़ा कैला से तो अच्छा बा कि दोनों जने आपस में बैठ के बंटवारा कर ले लो। बड़की दीदी तो चाहते बारी कि बंटवारा हो जाओ। अरे वो काहे ना चाहिए सोनपुर के बेटी है ना जे दिन ब्याह करके घर में आईली वही दिन हम समझ गई कि अब बेसी दिन ई घर एक ना रही। बाकी बड़का भैया तो बंटवारा करे के तैयार नहीं खन। अरे उनका तैयार होला ना होला से का होता उनका मेहरारू जौन आगे घर में लगौले बड़ी उसे तो बंटवारा के अलावा और कोनो उपाय नहीं है। तो हर दादाजी नहीं खन चाहत के बंटवारा होके न तो हम तो एक दिन में पंचायत बैठा के बंटवारा करा दी। अरे सासू माँ बाऊजी भी तो नहीं खन चाहत के बंटवारा होके। अरे उनका आग पर तो पर्दा पड़ल बा आजो भाई बोझाई के मुँह में पगला गल बड़न ओकरे वो फायदा उठात बड़ा सा। पर दीदी तू चिंता मत कर देखते रह हम कौन खेल खेलत हैं।
ऐसा मंत्र मारब सार के सांपों मर जाए और लाठियों न टूटी। अरे हमार परम पूजनीय मामा जी, बाऊ जी के समझावल बहुत मुश्किल बा, उना मनियन, चाहे कुछ भी हो जाए उना मनियन। मनी है काहे ना, हम हो सोनपुर के बेटी हैं, ऐसा जोग धरब कि उनका के मान ही के पड़ी। बस बस, तू जीजा जी के तैयार कर, आगे सब हमरे ऊपर छोड़ दे। ठीक बा, चलो तू लोग सुता। अरे मानिया, सबेरे दामाद जी के लेके पुछारी करे चल जाइह। ना, हम ना जाइब गोर लागे। चुप रह, लईका फेका बारे तोरा पर डरे ना करे के जाइह, थोड़ा देर बैठ के चल रही। अरे सुना, बिया के बाद पहला बार जीबा गोर लागे, कुछ न कुछ तो मिलवे करी, और दामाद के भी कुछ न कुछ बख्शीश मिलवे करी है। हम भी तो देखी जय प्रताप सिंह के का औकात है। चला शुभ रात्रि। जाए जाए शुभ रात्रि। अरे सुना था नहीं, रउआ कहाँ जाते हैं हो? अरे अरे का करेगा नहीं, कोई देख ली तो देख ली तो का हुआ, हमके लाइसेंस मिलल बा। माई के बुलाई का? आप माई वाई से हम डरे नहीं थोड़ी ना, बुलावा माई के, माई जब तक आई तब तक तो तोके उठा के लेके भाग जाए। भाई जी शुभ प्रभात। अरे आई आई कारे मनिया, आज यहाँ क्या कैसे आ गई? छुटका चाचा से आशीर्वाद लेवे आयल बानी। अच्छा, बड़की माई मना ना के लिए यहाँ आवे के? माई काहे मना करी है? माई देखी रहुआ के आयल बा। अरे मनिया खूब खुश रह बाबू। माई प्रणाम। खूब खुशी रहे, आई भीतर आओ लोग। अरे देखी था अपना घरे के आइलबा। अरे मानिया बेटा क्या हाल बा? ठीक पानी चाचा जी। बाऊजी प्रणाम। हाँ हाँ खुश रह खुश रह। स्नेहा तनी मिठाई उठाई लेके आवा। अरे पहली बार दामाद हमारे घर आइलबा। चिंता मत करें, अभी आवते रहियन, हमनी का घर जमाई जो बड़न। दिक्कत के कौन बात बा? अच्छा बेटी दामाद दोनों आके सामने तो रही। मेहमान की मिठाई खिया हम आवाता जी। अब ये पहला बार दामाद के देखनी है तो मुंह दिखाए में तो कुछ देवे के तो पड़ी। इली ये ऊ चेन है जन हमार माई रुआ के मुंह देखाई में देले रहे। आई मानिया लेल साड़ी बा। तो अपना हाथे से दे दिया ना? मान गे नहीं रुआ के, जैसा नाम बा वैसा नहीं काम। मेहमान जी ये रख ली। बाऊजी एकर का जरूरत रहे? अरे रख ली रुआ के शगुन बा, हमारा आशीर्वाद बा जी। शुक्रिया। अरे तो डब्बा में बंद करके काहे दे रहे हैं, खोल के पहना दीजिए। अरे जी शुक्रिया। बिया का देखा कितना अच्छा लग रहा है। मान्या हेने आओ बेटी। मान्या बेटी ई तहरा खाती हर बड़ी में जे घर में रहे से दे तनी सन, कुछ ऊंच नीच हुई तो बुरा मत मनिहा, ई माँ बाबूजी के आशीर्वाद है। ना ना चाची। अच्छा चाची अब हम जाता नहीं। फिर रही हा? हा? चलिए भाई जी फिर मिलेंगे। अरे स्नेहा तनी इनकरा के छोड़ के आओ। बंटिया, ए बंटिया का भेल मामा? मैनेजर बनते हैं, इतना बड़ा घोटाला हो गया हिसाब किताब में आपको पता नहीं चलता है? बाकी अपना काम कीजिए। जी जी मेहमान, ए मेहमान मेहमान का मामा काहे गड़माता नहीं? ये देखे हिसाब किताब में कितना बड़ा घोटाला बा। हिसाब किताब में घोटाला के कैलस? अरे और के कर सकेला?
बंटी ने केस के हिसाब किताब देखे ला उहे कहला से इतना बड़ा घोटाला बंटिया अरे बंटिया काबिल मामा क्या चला तोड़ा का कहले बने रे हाँ क्या कहले बने ही का कहले बनी हम लाखों रुपए के हिसाब किताब में हेर कहले बने हाँ चोरी कहले बने ऊपर से पूछा तले का कहले बनी का बकवास कर तोड़ा मामा अरे क्यों भला अपन घर में चोरी करे लगा एक कुल ठीक नहीं के मामा ठीक लिखे रे हाँ क्या ठीक लिखे अरे मामा सोलो छोड़ी 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 की बात साला साला जोन थाले में खा रहा हमारे वहीं में छेद कर रहा तेरे रुक अभी तो रियाज कर रहा था अब भी जाके जीजा जी के बता बता नहीं अब भी साला बाप जेल से आ गए हम तोरा भेजा के ताने बाप जेल से आ गए तोरा भेजा तोरा भेजा जीजा जी जीजा जी अरे का बात बात तू हमेशा हड़बड़ाए रहल हड़बड़ा तनी हम ऐसन बात सुनाएब कि पैर तले जमीन खिसक जाई ऐसन कौन बात बा कि हमार पैर के नीचे जमीन खिसक जाई हो जीजा जी जे भाई के बेटा के इतना बरिस से पाल पोस के बड़ा कर रहल बानी जेकरा पर आंख मूंद के विश्वास कर रहल बानी मालूम बा अकेले बाबू एक मिनट रुको तनी तू बंटी के बारे में बात करता रहा और कैसन सुलक्षण भाई घर में का कहले का बंटी का कहले बा पूछा था नहीं लाखों रुपया के हेर फेर कहले बा हिसाब किताब में यही देखी यही देखी अपन आंख से देखी ये पक्का सबूत बा ना हमरा विश्वास नहीं के होत हमरा बंटी ऐसा ना कर सके हम जानत रहनी के रहुआ कि हमर बात पर विश्वास ना होके यह तो पक्का सबूत लेके आयल बानी बंटी अपने घर में चोरी काहे करी चोरी काहे करी चोरी काहे करी ना जीजा जी कर चुकल बा तो एक काम करा बुलावा करा अभी दूध के दूध और पानी का पानी हो जाए बुलाओ दूध का दूध और पानी का पानी तब हो ना जीजा जी जब वो रही तो भाग गए इतना सबूत दिखा देनी तैयो अभी उनका दूध के दूध पानी के पानी बाकी है बा अब ला तो हूँ अपन आंख से देख ला देख अरे नीचे काहे बैठल बा ऊपर बैठ आराम से अरे कहाँ ऊपर बैठी दिमाग खराब हो गेल बा और ये अलमारी ऐसे खुला मत रखिया घर में बहुत चोट के आ गेल बा ये सब हमरा मत दिखावा बतावा भइल का कहाँ भइल अरे बंटिया 50,000 रुपया पर हाथ साफ कर देले बा कहाँ 50,000 रुपया पे अरे वो बहुत सफाई से हाथ मारत रहे वो तो पहला बार खाता बही के चेक इन में हम पकड़ने वाली जनकवा तू एकदम ठीक कहत रहे ये बंटिया एक नंबर के चोर हो अब समझ में आयल हमर बात के तो कोनो वैल्यू नहीं खे घर में हम कितना दिन से कह रहल बानी बाकी कोई सुने के तैयारे नहीं खे साहब के बतेने तक का कहलन का कहिए हूं कहा तरन की बंटिया को बुला के पूछ अब चोर सरवा पर मुंह से बोली कि हम चोरी के ले बानी उनका इतना मति है मारा खेल कितना बार कहनी है कि भाई भतीजा के अपन धंधा से दूर रखे मगर हमार सुने तब ना नहीं खत सुनिए तो लूट लिए लोग अब क्या मेहमान आप तो डराइए दिए हमको अब देखा आदमी लोग का कोनो कमी है घर में मेहमान बरले बारे अब उनका से जाके कहा कि रुपया पैसा के हिसाब किताब इनका हाथ में दे ये सच है उनका के हम कहब तो लड़ी हमरा से हां तो बाद में हमरा के दोष मत दी है कि बतैनी ना कंगाल कर दी है सब सब कमाई पानी में चल जाए और हाँ मेहमान जी टीम का चश्मा लगा के मत बैठिए ऑफिस में डकैत लोग का एंट्री हो गया है घर में बता दे रहे हैं आपको भी कितना बेर कहनी रहुआ से कि काम धंधा पर ध्यान दी देखा तड़ा ना कैसे लूट मचल बा आगे से ऐसा ना हुई का ना हुई एक तो मरद सीधा मिलल ऊपर से तू लोग ई ना के काम धंधा के अपन कब्जा में कर ली ऐसे का देखत है ना ना कुछ ना देखत है कि तू आज भी उतने खूबसूरत बाड़ो जितना शादी के समय रहा रहुआ कौन बुढ़ा लेल भाई जब चाहे अब दोसर ब्याह कर सकत है नहीं पहले तोरा से मन भरी तब ना अच्छा कितना दिन हो गए भूल गए ले कि मेरारू भी कोई चीज होला घबराई मत
हम कहीं भागल नहीं खींचा। अभी इतना मूड में रहनी है, अभी चुपचाप बैठ गए नहीं? ना ना ऐसा कोनो बात नहीं के, वो रुद्रा के बारे में सोचत रही। 5 लाख रुपया ले तो ले लस, लेकिन चुकाई पैसे। रघुआ ओकर चिंता मत करी, ले ले बात दिया जाए, और ना होए तो हमार गहना जेवर तो बढ़ले बा, ओकरा के बेच के दिया जाए। ना ना चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं है। हमार कहे के ये मतलब रहे कि रुद्रा के भी कोई काम काज करे के सोचे के चाहिए। बंटी बरका भैया के साथ काम करत रह, एकरो वहां जाके काम करे के चाहिए। फालतू में झूठ मूठ के आवारा ऐसे घूमे चलता। बाकी रुद्रा उनका साथे काम ना करे काहे? अपन परिवार के बिजनेस है, साथ में काम करे में का प्रॉब्लम है? अरे रुआ जेकरा के अपना परिवार के बिजनेस कहते नहीं, ओपर और बड़का भैया कब्जा कर लेले बड़ा। कब्जा कर लेले मतलब? मतलब ये कि ओमे केहू के हिस्सा नहीं खे, जे काम करी नौकर बन के काम करी। केकरो कहला से हो जाई का? बिजनेस में बाबूजी के पैसा लगल बा, तो सबके बराबरी के हिस्सेदारी होई। तो ये बात राउर भौजाई के समझाई? समझावे के का जरूरत बा? हम ना रही कर ये मतलब नहीं खे कि जेकरा जे मन में ऐसे करी। का बात है, आज सुते के विचार नहीं खे का? 11 बजे वाला है। तू जाके सुता, हमरा थोड़ा समय लगी। काहे? ऐसन कौन पहाड़ तोड़ता नहीं कि समय लगी? छोड़ी सब, चली सुते चली। हम कौन ही नू? जरूरी काम बा, हिसाब किताब देखेगा बा, तू चला यहाँ से मावत नहीं। कितना पैसा के घोटाला भेल बा? बेकार की बात मत करा। पैसा घोटाला के करी यहाँ? हम सुननी है कि बंटिया 50,000 रुपया गायब कर देले बा। ई के बतेले बा तोरा के बतेले बा मतलब? रवा का बुझाना, हम आके अंधर हैं, कान के बहिर हैं, 2400 घंटा हमार आकान खुलल रहेला। ठीक बा, बाकी मुंह बंद करके रखा, बेसी ढोल पीटे की जरूरत नहीं है, बुझलू? काहे? भतीजा चोरी कर ले बा, तो शरम आवता? जैसन बाप वैसन नू बेटा निकली, चोरी डकैती ना करी तो और का करी? कहनी नू के बेकार के बात मत करा, तो जा यहां से। हम तो जाते हैं, बाकी चोरी डकैती छुपे वाली चीज ना हा, आसानी से छुप जाए। कितना बार जनकवा हमरा से कहले कि वो भंटिया पैसा चुरावेला, बाकी हम ओकरा के डांट देत रहे, आज भंडा फूट गई लो। देखा तोरा ई विषय में टांग अड़ावे की जरूरत नहीं खे। हमरा कोनो शक नहीं खे, दे दी अपना धन संपत्ति सारा अपना भाई बती जाके। ये हमार कमाई हो, जहां मन करी वहां लुटाई, तोरा का जाता तो लुटाई ना, के मना करता? बाकी बेसी हमरा आंख ना दिखाई, हमरा से बर्दाश्त ना होई, जैसे बाप दादा रही वैसे नो पूत निकली। अरे हमरो पता बा कौन खानदान के बारू तू, आ तोर बाप दादा कैसन रहस? साड़ी पहना के भगई है, हम जनक मामा हई, ऐसन धोबिया पाठ मारब बेटा चारों खाने चित्त हो जाए। फटफटी
बढ़िया से चला था। अरे बंटी तू कब आइला बेटा, आ इतना रात तक घर से कहीं बाहर हल जाला? जल्दी से हाथ मुंह धोला, हम खाना लगाओ तनी। हमके भूख नहीं। अरे बंटी तू ऐसे काहे बोलत रे बेटा? बंटी का भइल? बंटी बेटा का भइल? बंटी बंटी तू रो तरह का भइल तोरा? हाँ बोला हमरा से का भइल तरह, बोलो ना काहे रो तरह? बंटी जनक मामा हमारे ऊपर चोरी के इल्जाम लगेले बने, कहा तरन के हम 50,000 रुपए चुरेले बने। का ठीक कलन सब तोरे साथ लखोर हवा तू, अरे इतना बार कनी हुआ जाके काम मत करा मत करा, लेकिन ना बड़का पापा बड़का पापा। अरे आप कहा गए तोहर बड़का पापा? देखता ओकनी के और कुछ ना मिला तो हमरा लेके के सिर पर चोरी के इल्जाम लगा देलन सन। अरे अभी जेल भेज इनका के, तब तोनी के समझ में आई कि कौन मट्टी का बने बा राज प्रताप। तू चुप रह, बहुत हो गई लब। अरे कुछ ना होगी तू लोग से, कहे कि आप समान नाम के कोई चीज ना बचत बात तू लोग में। अरे चुप कर, हमरो बाप डिप्टी कलेक्टर रहन, हम कोनो ऐसन वैसन खानदान के बेटी ना है, बुझले? का भाई काया ला होता राउर बड़का भैया हमरा बंटी पर चोरी के इल्जाम लगोले बड़न, यही से हल्ला होता। का बंटी का भाई हमरा के बताओ? उ जनक मामा हमके बुला के कहलन कि हम 50,000 रुपया चोरी कैले बानी। तो तुमको बोला नहीं गया कि हम चोरी नहीं किए हैं? अरे का बोलेगा साला, चुप भाई, ये एक नंबर का चुप्पा है। तू चुप रह। अरे चुप तो ही है हम, इसलिए कपार पर चढ़ कबूतरा है। लाख खाई अपने भाई का और उसी का जाकर सलामी ठोकिए। साल से हम इकनी के बर्दाश्त करते नहीं, लेकिन अपना लड़का के सिर पर हम चोरी के इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकत। रघुआ से तई ना हुई, तू चल हमरा साथे, आज हम इकनी से बात करो, तू चल। थोड़ा जाए के नहीं जरूरत, हम जिंदा हैं अभी। मंडी हमारा साथ चल, आज हम पक्का भाई से बात कर। अरे वो तो हमरे ऐसन मतारी बा कि अपना लड़का के रोक के रख ले बा, ना तो बड़का तो कहिए ही लोग के खत्म कर देले रही। एकनी का बुझत कर रहा था अपने के, बहुत हो गई एकनी के खेल। भैया ए भौजी, भैया जी मालिक। जा के भैया के बुलावा, वो तो सुध गलन। जा के जगाओ ले। जी मालिक। जय कैसे पड़ा तू? तू ठीक तो हो ना? सब ठीक तो बाना? आवा बैठ। भैया जनक बंटी पे चोरी के इल्जाम लगे ले बा। तो हमका कोनो झूठ बोलनी है? चुप रह साला, तुहार हिम्मत कैसे हो गई हमार बंटिया पे उंगली उठा के? काहे पैसा चोरी होई तो कोई कुछ ना बोली, खाता बैला के दे देता नहीं,
देख लिया बना के वही खाता। अरे साला एक मिनट में सब वही खाता हम साफ कर दे। जय बेकार में बात बढ़ावे के नहीं खे। भैया मान ली कि बंटी से गलती हो गई, कुछ पैसा लइए ले लस, तो ए में एकरा बोले के का जरूरत है। हम पूछा तानी के जनक कब से घर के मालिक बन गए। का दिलस तो कौन गलती कहलस, हिसाब किताब के देखला ये है ना, पैसा के चोरी होई तो के बोली ई। भाभी अपन भाई के बारे में पक्ष लेवे के जरूरत नहीं है, हमरो सब पता बा कि घर में काका हो रहल बा। बोले के रहे तो भैया बोलते, रउआ बोलती, बीच में तीन में तरह ही कौन बोले वाला, बाप के पैसा ले रहे बट क्या। देखिए बाप के नाम बीच में ना ली, न तो घर सलाह का होता। ए जनक तू अंदर जा, चला जा यहां से। ए जनक संभाल जा, एक बार हमार दिमाग घूमी ना सब हिसाब किताब साफ कर दे। राष्ट्रपति हूँ, पक हमार खाता बंद देखे हिसाब किताब करे। पक चला बस, बस। बहुत होला से बर्दाश्त ना होई तो वह पुलिस के फोन करी, वह फैसला करी कि कौन चोर पा। बहुत हो गई। ए भाभी केकरा धमकी देता नहीं पुलिस दरोगा के जय प्रताप के, जगह पूरा जिंदगी बीत गई कोर्ट कचहरी में। अगर यह मन में बा तो वो करके देख ली, जय प्रताप ओकरो लगी तैयार बा। बकवास बंद कर तू लोग। अपने में कोर्ट कचहरी हुई, हमरो कोनो शौक नहीं खे केस मुकदमा करे। बाकी साथ रहे में बड़ा तकलीफ बा। जल्द से जल्द बंटवारा कर दी। और हमरा के हमारे हिस्सा दे दी बस। चल बंटी। नाम के माला जपत रहनी हम, हमार भाई तो लक्ष्मण जैसन है। उहे भाई, उहे भाई रा और इज्जत उतार के चल गई। हमार बाप के तो कोने कीमत ही नहीं खे। अब तो देख लेनी ना अपन आंख से, सुन लेनी ना, ऐसन भतीजा के पालत पोसत रहनी है कलेजा से सटा के, और इस सांव के बच्चा के दूध पियात रहनी हो। आज उहे के इनाम मिलल हा। बहुत बोल ले तू, अब चुप रह। चुप रही हम? काहे चुप रही हम? हमरा के चुप करा के का साबित करे चाहता नहीं रहुआ? हम गलत है रहुआ सही? ना सब कुछ भैला के बाद भी भाई के वो नहीं के छुटा। तू चाहत का बारू महाभारत छेड़ दी? महाभारत तो ऊ छेड़ के गए,
एको कर्म बाकी रख ले का? बेटी दामाद नौकर चाकर दुनिया के सामने इज्जत उतार के गई हो, ताल ठोकर रउआ के ललकार के गई हो। तो का करी, गोली मार दी ओकरा। अब तो नहीं कायदे खतरा, जा सुतर जा, जा। हम रवा के कह देता नहीं, काले पंचायत बुलाए और ओकर हिस्सा ओकर मुंह पे दे मारी। जे तू चाहत हो वो हम ना होके दे, कि खानदान के लड़ाई खातिर कोई पंचायत ना बैठी। ये हम दोनों भाई के बीच की लड़ाई हो, हम दोनों भाई आपस में बैठ के सलटा ले। ये लड़ाई के बीच में केकरो आवे की कोई जरूरत नहीं है। इतना आसानी से बंटवारा करे वाला नहीं है, 10 साल से बैठ के राज कर रहल बाड़न सा। राज भोगता तो भोगे लोग, बाकी हमार हिस्सा तो हमरा के दे दो लोग। हमरो लेका फैका बड़ हो गेलन सा, बेटी के ब्याह मात पर पड़ल बा। सपना देख रहल बाड़ू की बांट के दे दही, तो देखा सपना ठेंगा ना दही कुछो। जब तक ढोल पिटाई ना तब तक साला बाजी ना। ते चुप रह तू, जब देखा तो लड़ाई झगड़ा के बात करत रहा। इतना दिन से तो मुंह बंदे करके बैठल बानी हम, ओकरे परिणाम है कि हवेली छोड़ के घर में गुजारा करके पड़ता। ओकरे परिणाम है कि आज हमार बहन का ब्याह ना भइल बा। और वो अपन छोट बेटी का ब्याह पहले कर लेलस, ओकरा इतना ना पता रहे कि बड़ बेटी घर में बैठल बिया। अरे चुपे रहे के ही परिणाम बा कि पंडिया के ऊपर आज चोरी का इल्जाम लगे ले बा। इल्जाम लगे ले बा तो हम जवाब देता नहीं, थोड़ा बीच में बोले की जरूरत नहीं है। जरूरत बा, अब हम बउआ नहीं की, हमरो गाड़ी घोड़ा चाहिए, हमरो दूध मलाई चाहिए। तो जा काम कर, चढ़ घोड़ा गाड़ी पे, के रोक ले बा तो रा। कहे दादा परदादा के जायदाद में हमारा हिस्सा ना बाका। हिस्सा बा हमार, जब तक हम जिंदा हैं तब तक कुछ भी तुम्हारा हक नहीं है। कैसे हक नहीं है, बउआ के कहे से हक नहीं है? हक बा, और देखा था नहीं कौन माई के लाल हमरा के रोक लेता। अरे चुप कर, बाप से जवान लड़ जाना, लाज नहीं लागत तोरा? एकरा के का शर्म आई, सब तो लाज शर्म धोके पी गया। हाँ हम लाज शर्म धोके पी गए बानी, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ली, हम गांधी जी नहीं हुआ जैसे कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दी। हाथ कबाड़ ले। कुत्ता भूखे हजार और हाथी चले बाजार। जब बात जीजा जी के इज्जत पर आ जाए ना, तो वो खातिर हम अपन जान दांव पर लगा दे। बाकी मामा जी वो लोग रउआ से इतना चिड़ल का है बाड़न सन? अरे लूटे के जो नेखे मिला और का है। अब जीजा जी गौ हो, भाई भतीजा के पीछे अंधा, देखे वाला रहे ना कोई, लूट मचेले रहन सर। वो तो हा महीनी तक कंट्रोल कैनी। ए शिवनाथ बाबू, ए मैनेजर साहब, कहाँ सो रहे? जाइए, जाइए आराम कीजिए। जी जी। काम धंधा कुछ रहता नहीं, फोकट में बेतल लेते हैं और खराटा भरते हैं। जाइए आराम कीजिए। हाँ तो हम कहत रहनी, जब कमाई बंद हो गई तब पर परेवे करी। रहुआ भी चीज है मामा जी, हाँ मानेगे बड़ी रहुआ के, राउर था लगावल इतना आसान नहीं के। बंटिया का था पत्ता साफ कर दे लिया। ए मेहमान, जब चिरे उरे डर डर तो हम पात पात, अब आगे आगे देखा काका होता। अगला निशाने पे के है? सब बताइए, देख तो खेला का देखो। सुता जा, तनी इंतजार करी। तू का बगला ऐसे मुंह उठा देखा था? सुता चुपचाप, पोल्टी सब कर, सब पोल्टी से सीखे। जौन दिने बाप के घड़ा फूटल लू, सारा नींद हवा बन के निकल। ए जोगी तनी तू संभल के रहो, जे दिन मामा का नजर तोरे ऊपर पड़ गए
समझला तुआर खेला खत्म। ये मेहमान हमू कोनो माटी के माधव ना है। जौन दिने हमार माथा खराब भइल नु ओ दिन में ही जनक बाबू के खेला खत्म कर हमू ये खानदान के खून। ए मोहन तू बताओ रे तू केकरा साइड हुए, जोगी के साइड या जनक मामा के साइड? हम तो जनक मामा के पार्टी में हुए। कहा के मालिक चुप चला। ये जनक मालिक कब से भइलन रे? ये घर के मालिक हुए राज मामा। आई दिमाग में घुसा लो संतोनी के। उ तो साला घर फोड़वा दोनों भाई के लड़ा के आ बीच में रबड़ी खींचता। मालिक जनक बाबू हुए। हमके भी धीरे धीरे सब बात समझ में आवत। हमो ये घर का दामाद हैं। बाकी हे परिवार के लूटे ना दे। ये मेहमान हमरे वो साथे बनी चाहे हम ताज माँ के देख ले। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आई आई बुआ जी, यहाँ हम सब धो पोछ देर वाली। अच्छा कहली, सब फल तो पहले तू ही ले ले ले। रात के का हल्ला होत रहे? रउआ के पता नहीं खे। जय भैया आए लड़न बंटी बुआ जी के लेके। जनक मामा बंटी बुआ जी पे पैसा चुरावे के इल्जाम लगेले बारे। देखा था ये जनकवा एक नंबर के घर फोड़वा हो। इहो घर ना बाचे दी। मौगा खानी बहन के अचरा में छुप के घर में आग लगावता। बाकी जय भैया भी चुप ना रहलन। खूब सुनावले जनक मामा के तो सुनाई ना ठीक कैलसी कह के गेलन है कि बंटवारा कर दा, अब जोरे ना रह। ये हाल रही तो जोरे कब तक रहेगी? बड़की तो चाहते भी अलगा हो जाओ आ सब धन ढोढो के नैहर भरा जाओ। आ राज प्रताप ना मौगा हो मेहरारू के आगे ओकरा कुछ ना बुझाला। जे मेहरारू कहले उहे उ करेला। बाकी अभी होके ना दे। हे भगवान अरे तनी बुद्धि दी लोग के। भगवान घर में सुख शांति रखस, बुरी नजर से बचाओस, तोहन लोग के रोजी रोटी में बरकत होके। ए बुआ है तेरे अपना पॉकेट में फूल रख दा। ए बेटा हम तहरा से कुछ कहे चाहत रही। कहीं का? अरे दीदी कहो ना। बैठा तन बैठ बोला का बात बा? जय प्रताप तोहर भाई हो, 10 साल जेल में काट के आई बा। आ जेल गई का है तारा मेहरारू की इज्जत बचावे खातिर। ई खानदान के इज्जत बचावे खातिर वो अपन जिंदगी के बर्बाद कर देलस। दीदी हम जय के त्याग भुलाइले नहीं की। ओकर जे कीमत उ मंगिए हम देवे के तैयार बानी। सब चीज के तू पैसा से मत तौला राज। तू बड़ भाई हुआ, बड़ भाई खानी सोचा। भगवान के कृपा से ये घर में कोनो चीज के कमी नहीं खे। दीदी हमरा से का चाहत रू बताओ। आज तक कोनो चीज खातिर मना कैले बानी उनका के? रुपया पैसा जे चाहस हम देवे के तैयार बानी। बाकी बाकी एक बार हमसे बोलस ता त जाए के बुला के बैठा के बतिया ला। वो में हरज का बा? अरे घर में कोई बैठ के बात करे के तैयार हो तब ना। ये घर में तो सब एक दूसरे के मरे मारे के तैयार बा। रुद्रा के हम कितना बार कहनी क्या बा बिटवा बिजनेस के काम में हाथ बटावा। बाकी ना हमरे के दूसर के सामने नीचा दिखावे के कोशिश करता। ये बुआ वो तो लड़का है ओकरा बात के बुरा मान के बैठ जेबा तब है। दीदी आप कल्हे के बात लो। बंटिया कुछ पैसा इधर उधर कैले रहे ठीक है। जनक कुछ कह देलस तो सा उसके जान के पीछे पड़ गई। अरे तू कान के कच्चे हो गई बड़ा। जनक कहलस कि बंटिया पैसा चुरावले बा तू मान गई। अरे बाबू पहले ई पता लगावे के तो कोशिश करा। तू झूठ बोलता कि सच? का है जनक उ लोग के दुश्मन हो का कि झूठ बोले?
तो जनक झूठ ना बोली, अब बंटिया झूठ बोली, है ना? अपना भाई के दिमाग खराब करके रख ले बड़ू दुल्हन। अरे दूसरा पर इतना भरोसा कर ठीक नहीं है। आपन अपने होला आ पराया पराया। देखी रउआ खातिर जनक पराया है, बाकी हमरा खातिर आपन खून से बढ़ के। तहरा से तो बात में कोई जीती ना सकेला, लेकिन एक बात कान खोल के दोनों जाने सुन ले लो। जब प्रताप के साथ बेईमानी हुई ना तो ठीक ना हो, हमू एक खानदान के खून है। अगर ओकरा कोई तकलीफ हुई ना तो हमरा ना बर्दाश्त हुई। देखनी हाँ रानी के परान बसेला चिराई में और इनकर उच्च प्रताप में। बड़की के प्राण तो नैहरे में बसल रहेला, ऊपर से भाई के बोला के राजपाट के चाबी थमा देले बड़ी। हमार लड़का अच्छा खाए के अच्छा पहने के तरसा तरसन। दीदी हम जेल में रही, हमारा परिवार के साथ जे बर्ताव कैले बालो हम कभी ना बुला सकी। वो तो हम देखते बानी, हमरा आँख से कुछ छुपल बा का, बाकी का करब, यह ना पटीदारी होला। अब आ गई बाड़ तो दोनों भाई मिल के बतिया ले लो। अब बैठ के बतियाओ के का रह गई बा दीदी जी, हमार हिस्सा हमरा के दे दो लोग, हमरा और कुछ होना चाहिए। ए दुल्हन जमीन जायदाद कहीं भागल नहीं खे जात, अरे आज नकल तो तरह मिलिए जाए। कब मिली? जब हमार लड़का भाई का भूखे मर जाए तब मिल जाए। चुप रह, शुभ शुभ बोला। हमार लड़का सब अजर अमर रही, अरे भगवान जब उनके जन्म देले बाड़न तो उन्हन के भरण पोषण भी उहे करे। बाकी सबसे जरूरी बा बेटी के ब्याह कैल, बड़ लड़की घर में बैठल बा, ओकरा के ससुराल भेजल। तो का जेकरा पैसा ना होला ओकरा बेटी के ब्याह ना होला? दीदी जी हमार जौन औकात बा, हम वही में देख के बेटी के ब्याह कर दे। ए दुल्हन ऐसे काहे बोले तरु, और ओकरो अच्छा घर में ब्याह हुई, ओकरा भाग में जे लिखल बा कोई छीन लिका। तू लोग लड़का खोजा, राज प्रताप पैसा दी हन। हमरा उनकर पैसा ना चाहिए, हमार हिस्सा हमरा के दे दो लो, हम वही में खुश बानी। अब रउए बताई दीदी जी, अकेले ही सब हड़पे के चाहता लो तो ये कैसे होई? कैसे हड़प ली? अरे हम कौनो का चूड़ी पहन के बैठली हैं? जमीन जायदाद खेत मकान सबके दो दो हिस्सा होई। अब बिजनेसों में दो हिस्सा लागे के चाहिए, काहे कि ये बिजनेस में बाबूजी के पैसा लागल बा। ए दुल्हन ई तो तू बड़का सवाल उठा दे, राज प्रताप एकरा खातिर ना तैयार हुई। तैयार कैसे ना हुई? बाबूजी से जौन पैसा लेके बिजनेस शुरू भइल बा ओकर एक एक पाई के हिसाब किताब हमर कागज में लिखल बा, तैयार ना हुई। राज प्रताप तो एक बार तैयारो हो जाई लेकिन ओकर मेहरारू उ ना मानी। एक नंबर के लड़ाके नहीं हो, सुनी ना तो माथा पे आसमान उठा ले। सुन ली अपन भाई भब्बो के कहावत, आप उनका के और बिजनेस में भी आधा हिस्सा चाहिए। अरे ई तो से कह दलस, ररा के बुखार चढ़त रहल का? हां हमरा तो बुखार चढ़ते रहला, जब से जनक कलक गोर के लहर कपार में चढ़ गिरवा। तो जाके कपार पे ठंडा पानी डाल ल, लहर उतर जाई। रुपत हमेशा मजा के बुझाता, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटले बाड़स। तो तू हो जाके ढोल पीट ल, हमार दिमाग काहे खराब करत हो? हमार तो करम फुटल बा, जे ऐसन बतार मिलल समझा समझा के थक गई, समझे के तैयार नहीं खे। भाई बहन दोनों एक के जैसे बाड़न सा। भाई देखी हम 2000 रुपया ओकरा के दे देनी है। ओकरा केकरा नाम बताइएगा? जगदीश शर्मा के कहले रही नो। ये की रेडियो सुनत हो? जोगिया है। अरे जोगिया रेडियो सुनता है रे, काम क्या करी तोर बाप? जात तो रानी है, मैं मतारी बाप के नाम नहीं लाया, कौन काम साला मतारी बाप के? तुम मतारी बाप जवान लाता है रे, धर्मशाला खोलल बारे साला जवान लाता रे। नहीं जा बाबा। अरे जोगी अरे आपस में काहे लड़ाई करत हो जा? हां एक नंबर के थेथर है सर, बाप मतारी मर गई रात करत रहे ननिहाल में, रातें कहनी है कि स्टैंड पर चल जी, बस खराब हो गई, मिस्त्री के बुलवा के बनवा लिया। देखी तो 12 बज गई रेडियो सुनता। ए मामा एमए पीसी बोलना है, काम नहीं खे। अरे पीसी बोल। अरे अरे जनक मामा छोड़ा छोड़ा छोड़ा, ए जोगी चल तू आई जैसे, ए मोना इधर मार के भुस्सा भर दे, जाके लेके जा अंदर।
अरे चली ना, अरे आग तरता है रे, ले जाएगा हमको। अरे चली ना, आंखें फोड़ दे। जयदी मामा जी, अपन खानदान के आदमी हो जा, जाइए अपन खानदान का, जाइए अपने काम कीजिए। जी जी। जनक मामा ने अचानक के थोड़ा ऊपर हाथ ना उठावे के चात रहे। खाली घर के नमक खोले बनी ना तो चुप ना रहती हूँ। देखा जोगी, अब चुप रही से काम ना चली, कुछ करे के पड़ी। ससुर जी के सारी संपत्ति पर उस ससुर नाग की तरह कुंडली मारकर बैठल बा। हिसाब किताब, रुपया पैसा, बिजनेस सब ओकरा हाथ में आ। हम ही घर का दामाद हैं, बाकी पैसा खातिर ओकरा सामने हमके हाथ फैलावे के पड़ेला। संजय तो दिल्ली में पढ़त हुवन, पढ़ाई के बाद उतर यहाँ ना रहियन, और ई जनक ओकर फायदा उठा के यहाँ के हर एक संपत्ति पर अपन कब्जा करे खातिर चाल चलत बा। बोला हम कुछ गलत कहता नहीं ना? जोगी, तू ही खानदान का खून हुआ, आपन खून। संजय के फुफेरा भाई वो बात अलग, बाकी बचपन में तुम्हारे माई बाबू मर गयलन, तब से लेके अब तक तू यहाँ रहता हुआ। यहाँ एक बात बता हुआ जोगी, तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंख के सामने अगर बाहर से कोई व्यक्ति आके तुम्हारे नाना जी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर ले, तब का कर पा? बोला जोगी, बोला बोला। तुहार सामने, तुहार सामने, आंख के सामने, आंख के सामने बाहर से व्यक्ति आके तुम्हारी प्रॉपर्टी कब्जा कर ले। ना मेहमान, ई तो ना होके दे। जनक के ई मनसा ई जन्म में का, कोनो जन्म में पूरा ना हो। तुहार माई ये खानदान के खून रली, ऊ नाते यहाँ के प्रॉपर्टी पर त्वार हक बा। अपन हक के खातिर जागा चुकी, जागा। हमारा आँख खुल गई बा मेहमान आज, अब बस रुआ खाली देखत जाए कि जनक के हम कौन हाल करते। बाकी सपना सच साबित करे का जिम्मेदारी तहार बा। रुआ रोज रात में एगो सपना देखी मेहमान, अब भोर हो तक जोगी के हाथ में थमा दी, सांस ढले तक अगर सपना के सच ना साबित कर देनी तो हमारा नाम जोगी ना। समझी राउरी काम हो? पर कैसे? आम खाई मेहमान, पेड़ गिने के जिम्मेदारी हमरा पर छोड़, बाकी काम में खतरा बहुत है, संभल के। खतरा से खेलल जोगी के शौक है मेहमान। और हाँ, और एक बात ध्यान रखिया, कानो कान केहू के पता ना चले के चाहिए। बेफिक्र रही मेहमान, दहिना हाथ काम करी या बाया हाथ के पतो तक ना लगे। साला जनकवा हमरा पर हाथ उठैले रहे, एक और कीमत तो ओकरा चुका ही के पड़ी। जय भाई, अरे ओ जय भाई, अरे ओ जय भाई, अरे लखन भाई तू क्या बात है, अरे उतर गुरा गई ले आई का हमरा के बुला दे ले। का बात करते है लखन भाई? अरे जेल से छुटला के बाद भेंट ना भइल तो का कही? बुरा के कैसे बुलाई लखन भाई? खैर छोड़, का हाल चल? तू तो जाने ले, आसमान में उड़ा चिड़िया और लखन सिंह के कोनो भरोसा नहीं कि कहाँ ठिकाना रही। बस इधर से गुजरत रही, मन भइल तो गाड़ी मोड़वा दे। अच्छा केला,
कहाँ सत का बड़ा घर के भीतर ना ले चल बका भौजाई के हाथ से चाय पियाल बनियो तो तोरे घर वाला चला चला तोरो देख ले जनक के रडार पर तू आ गेला लखन सिंह मारे अरे खुशबू तो बड़ा बढ़िया आवत हो भाई ले जाए भाई हाँ अरे भौजी के चाय तो लाजवाब बा तब भौजी जय तो आ गई ना अब तो खुश हई नू खुश हई आपन बताई ब्याह कहिया करतनी ब्याह अरे हमरा जैसन जुआई लड़का से के करी ब्याह काहे कौन कमी बा रहुआ में कहीं तो लड़की हम देखी अरे ना ना राय दी भौजी राय दी अभी उम्र में ब्याह गई के गिंजन नहीं खे करवाओ के बा हाँ अब तो भौजाई लोगन सही काम चलाओ के बा कहो भैया तोरा कोनो ऑब्जेक्शन नहीं खेनू हमरा के बीच में मत डाल तू जाना ही जानस अच्छा ठीक बा मन ना लगे तो आ जाए हम खाना बनाए जाते नहीं खा के जाए ना ना भौजी सुनी तो यार आई खाना नहीं खे आज खाना ना खा हम तो आज बस जय भाई से मिला आए जय भाई रुद्रा से ही घर का सब खेला पता चला है बाकी हम तो ये कई बात कहा डरिए मत अरे पानी ना रही तो मर्दानगी रह के का करी तोरा के कोनो दिक्कत बुझाए तो हमरा से कहिए हम तोरे पीछ पे खड़ा भाई लखन सिंह का जवान मर्द का जवान कट जाई बाकी बदली ना हमरा सब पता बा एक के पेट के जन्मल भाई अपना भाई खाती कुछ ना कलन लेकिन रहुआ हमने खाती कितना कुछ कही ये एहसान हमने के जिंदगी भर ना भूलब हे भौजी खून के रिश्ता एक रिश्ता ना होके प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी होला अच्छा हम चला तानी हाँ हमार खाना उधार रहल ठीक बा ना चल चल आ जाए भाई राजबाबू से तो हम बाद में निपटेंगे हमरो बहुत हिसाब किताब बाकी है उनका पास पहले तुम ही जनकवा से निपटो साहब खुरापात का जड़ साला वही है ऐसा रिश्ता है ना कि कुछ कहने में बनवे नहीं करता अरे रिश्ता लेके का चाटोगे कहो तो आज राते में काम लगा देते हैं उसका रोज रात में पैसा लेके आता है साइडपुर से अभी देखो पहले समझा के देख लेते नहीं समझेगा तो देखा जाएगा ठीक है भैया तुम्हारे परिवार का मामला है तुम ही समझो लेकिन भैया हम तो आपन पैसा वापस लेके रहेंगे अरे तू काहे टेंशन में आ गई पैसा तो वहीं से लेंगे जहां दिए हैं निश्चिंत रहो चलो तन रुके जय भाई रुद्रा के तो नहीं समझा दिए उन्हें भरोसा नहीं है उसका कि कब जनकवा को लोक ले हमको खबर मिला है कि जनकवा को कंबल उड़ाने का इंतजाम कर लिया है समझा दिए चलो चले लखन बाबू हाँ जनक बाबू घर से बहरे खड़े हैं जी प्रणाम आप ही के इंतजार में थे का जी हमसे कोनो दुश्मनी है गाड़ी बैक करके उन्ने चल दिए हमको पूछबोन किए अरे ना ना दुश्मनी कैसन आप तो दुलरुआ हैं वो कहते हैं ना कि सारी खुदाई एक तरफ अब भौजाई का भाई एक तरफ तो आइए हमारे तरफ भी चाय पानी पीते जाइए ना ना चाय पानी से खाली काम नहीं चलेगा दीदी से कहिएगा हम आएंगे तो गर्दा उड़ा देंगे तो आइए ना हम हूँ कोनो पीछे हटे वाला नहीं है तो समझिए आइए रहें तैयारी करके रखिएगा चले जी प्रणाम
ससुर के नाती। गर्दा तो हम उड़ाएंगे तुम्हारा। काश बोलत रहे 5 लाख रुपया उधार लेवे। 9 महीना और जेल में रहती तब आप बिगड़ जाए। काहे का भाई लखन तगादा करत लका। आज नकल तो करवे करी ना, दूसर से पैसा लेके दिले बा। इतना टाइम बढ़ी सुधवा तो बढ़ते जाएगा। समझ में नहीं आवत से ठीक हो जाओ तो तू देखा था रू निकले के सब रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद हो गई बा तो खुली हो जाई। भगवान पर भरोसा रखी, जब वो पेट देले बड़न तो खाए के भी उहे दिया। आज तक हम अपना जिंदगी में केहू के कुछ नहीं ही बिगड़ ली तो हमार कैसे कुछ बिगड़ जाए। चिंता मत करे, सब ठीक हो जाए। तो आज हिम्मत देख, हमरो हिम्मत बढ़ जाए। अगर तू ना हो तो रुआ चिंता मत करे, सब ठीक हो जाए। हमने दोनों आदमी मिलके सब तरह के आंधी तूफान के सामना कर लेंगे, लेकिन रुआ चिंता मत करें। अहिले यघनवा पिया जब हम गवनवा हो। अरे मुस्की की मारा था, आगे देख के गाड़ी चलावा। ले यघनवा पिया जब हम गवनवा हो। परदेशी छैला
पापा सब कहत रहन कि उनकर गोल में गोली लागल बा। छोन बाप के डर रहे होइए गई लखना हमरा से कहले रहे जनकवा पे टिकब ले हमरा के जिए नदी देखी हमार लेके ऐसन कबू ना कर सके सब मिल के ओकरा के फसावे में लागल बड़न सन हम ओकर माई होई हम ओकरा के दूध पियले बनी अगर मारा ही के होई तो ओकरा छाती में गोली मारी गोड़ में काहे मारी चुप ना रहा अगर बात सच होई मामला बहुत बिगड़ जाए जल्दी हमरा हॉस्पिटल जाके पड़े चल सुनीता सुनी रुआ हमर बात तो सुनी रुआ हॉस्पिटल ना जाए रुआ जा जाए हालचाल लेवे और हो कुछ और जाए देखा हर बात पे हमरा के उपदेश मत दा रही समय तो दुश्मनों को पुचारी करे जाला रुआ बात बुझे की कोशिश करी बड़का भैया पहले जैसा नहीं खान बहुत बदल गई बड़न कुछ नया हो हवाई जाए तो हम का करब ना जाए तो ना जाए और लोगों का शक हो जाएगी
फिर दो दिन पहले हंगामा भइल, महाराज जी कांड हो गए। भाई के काम हो ना, ऐसा ना हो सके। हमार जय ऐसा नीच हरकत ना करी। काहे वो देवता ने खन के नीच काम ना करी? मार मन नहीं खे मानत ना। हम पूछता नहीं और के बाजनक के दुश्मन के कर नजर पर चढ़ल बाहू। हाँ ना ये काम बाहू भाई के हो ना तो रुद्रा के होए। जबले हमरा सच्चाई नहीं के पता चल जात, हम केहू के कोनो बात सुने के तैयार नहीं की। तोरो ना हम का करें, का करें हम केहू हमार बात सुने के तैयार नहीं की। न जाने के कर नजर लाग गेल हमारे भाई के, लेये ले ले सनोकर जान। चला उठा, कुछ ना हो तोर भाई के। उठा चला, चल कुछ ना हो, बैठ चला बैठा। दुल्हीन मत रो, जनक के कुछ ना हुई, भगवान बाड़ा ना भरोसा रखा। सासू माँ, दामाद जी कहाँ भेल जनक के बताई ना, हमरा कहाँ भेल जनक के? शरीर में से गोली निकल गई बा, खून चढ़ा था। हमरा के ओकरा पास ले चले दामाद जी हमें। सासू माँ जनक मामा के होश आ गई ला, चिंता का कोनो बात नहीं खे। हमार दिल लेके वाला दामाद जी हमरा ले चले, ले चले हमरा ले चले। का करता रू हाँ? ए दीदी लेके जाके रखे, हम बात करता नहीं। हाँ बात कर। जी जी भाई के। जनक से बात भइल तो हर? हाँ। का कहलस? अरे बोला का कहलस? ज्यादा कुछ तो ना कहलन। अरे फिर भी कहत रलन की का हमला करे वाला तीन लोग रहे। अच्छा कोनो की पहचान बतेलस की ना? रात के अंधेरा में केहू के पहचानलन तनाई, बाकी कहत रलन की का बोला? का कहत रहे जनक? नमाजी हमरा के बता ही ना का कहलस हूँ। का कहलस जनक? जनक मामा के शक बा कि वो तीन लोगों में से एगो रुद्रा भी रहे। सुन लेनी नू, अपन भतीजा के करतूत अब हम चुप ना रहब, हमार भाई के साथ जे कुछ भइल बा
हमरा ओकर बदला चाहिए। तीन दिन में जो रुद्रा के इंसाफ ना भाई तो गंगा जी में डूब कर हम अपन जान दे दे। अरे तू समझत काहे नहीं खू, भैया से मिलना हमारा बड़ा जरूरी बा। अरे जितना देर होई लोग के शक और मजबूत हो जाए। अरे ये घड़ी वो घर में भूचाल मचल बा, राउर गई लाग में घी के काम करी, रुआ जाई बा कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए। का हो जाए, तू को बातें ना कही, गोली तो ना मारबी। कौन भरोसा बा, पैसा के इतना गर्मी बा कि कुछ करवा सके लसन। देखत नहीं कौन खुरचाल रच के हमरा लेके के फसाओ के कोशिश में लागल बाड़ा सन। बाकी कहां हो, सामने काहे नहीं खयाबा? डरे लुकाई चलत हुई हमार लड़का। लुकाए से काम चली, एकर पीछे के सच्चाई पता करे के पड़ी। गोली चलल बा तो कोई ना कोई तो गोली चलेले होई। एगो दुश्मन बनेले बा लोग, कितना लोग के हाय लेके बैठल बा, वही में से क्यों मरले होई? ये वो काम करता नहीं, लखन से मिल के आवता नहीं, हो सके ओकरा पास कुछ खबर होके। इतना रात में? तू चिंता मत कर, कुछ हो ना होई, बस गई नहीं आई नहीं। अकेले मर जाए, क्यों के साथे ले ले? देखा, हम वह जय प्रताप सिंह हैं, जे घर से निकलत रहे तो लोग अपन रास्ता बदल देते रहे। आज बाल बच्चेदार हो गए नहीं, ते करी मतलब नहीं खे कि कोई अपन मन से हमर कंधा पे हाथ रखते। हे गोपाल जी, इनकर रक्षा कर। तोरा केकरा पे शक बा? अरे का तो रुद्रा भी निया तो मात खा गई ल। अरे बाप होके बेटवा के ना पहचान ल, वो शेर है शेर, ओकरा करे के रही तो सीना ठोक के करीत, चैलेंज दे के गोली मारित। हमू तो जानी के है जहां हमार परिवार पे गोली चलेलस। ठीक बा, तो सुना ये काम बा तोहर बड़के भैया राज प्रताप सिंह के। भैया? हाँ तोहर बड़के भैया, बहुत सोच समझ के गेम प्लान चलल है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। एक बात बतावा, जनकवा के गोर में काहे गोली लागल, सीना में काहे नहीं लागल? ड्राइवर साला चीत हो गई लो, जनकवा बच गई, वो एक ना सुन्नी की तीन तीन आदमी पीछे लागल रहे। बाकी भैया ऐसे काहे करी है? बहुत पहुंचल चीज है तार बड़के भैया, ऐसे ही ना बन गई ले बड़का आदमी। बड़ा आदमी बने खातिर बड़ा बड़ा कुकर्म करे परेला। लेकिन अपन साला के ऊपर यह तो गेम है, जायदाद में हिस्सा बचाव खातिर वो कुछ भी कर सके। तू बंटवारा करे के कहला और गेम चल देना, अब बिटवा बचेबा कि बंटवारा कर। घबराने की कोई बात, मरीज अभी खतरे से बाहर है। जनक, जनक, जनक तू चिंता ना कर, हम भानी, आज जरूरत पड़े तो हम तोरा के दिल्ली लेके जाब, समझा? कुछ ना हो तोरा के। और एक बात ध्यान रखिया, पुलिस तोरा से पूछताछ करे आई, कुछ बोले की जरूरत नहीं के, मुंह बंद रखिया अपन, समझला? और सुन, तोर दीदी बोले ना तब वो ना, केस खराब हो जाए बच्चा और कुछ ना, समझा कि नहीं? बिल्कुल चिंता ना कर, हम आए। वो क्या है कि ये मेरा छोटा साला है, अगर इसे कुछ हो गया तो
इसकी बहन हमें जीने नहीं देगी। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करें। डॉक्टर साहब एक काम और था आपसे, क्या है कि पुलिस इनका बयान दर्ज करेगी, तो अगर बयान दर्ज ना हो तो। लेकिन पुलिस तो अपना काम करे। दो दिन की बात है डॉक्टर साहब, दो दिन के लिए, बाकी हम बाद में देख लेंगे, है ना? ठीक है, हम संभाल लेंगे। धन्यवाद। काम रहे। ये 2 बजे रात के कौन ऐसा काम रलता रहा? कुछ काम रहे बता दे रही ना। ज्यादा सवाल जवाब मत कर हमरा से। बाप मतारी के जिए देवा कि ना तू? इतना दिन के बाद बाप जेल से छूट के आइल बाड़न, 2 दिन तक चैन से रहे द लोग। तो जाके कह देना उनका से कि हमार चिंता करे के जरूरत नहीं के, हम अपन ख्याल खुद रख सकेला। भैया जनक मामा की गोली लग गई बा। पता बा हमरा साला कनकट्टा घैला बच गई। आई रे कहीं तू तो उनका के गोली ना मरले हा? यह बात के तो अफसोस है कि गोली हम नहीं की मरले, हम मरले रहती तो साला बच इतना। तू खो हमार क्रिया कि गोली तू ना मरले हा? तू हाथ का हटा दिले एकर मतलब कि गोली तू ही मरले हा? एक बार कह दी ना कि गोली नहीं मरले तो नहीं मरले। तो हाथ का हटाओ तेरे, खो हमार क्रिया कि गोली तू ना मरले हा? खो। ठीक बा, हम तो हार क्रिया खा के कहता नहीं कि ओकरा गोली हम नहीं मरले, लेकिन एक बात कान खुल के सुन ले, जे दिन हम गोली मारब ना साले के हिया मारब तो हिया से निकली बाची ना साला हमरा से। गोपाल जी सब देखा तरन जे हमरा लेके के बुरा चाहे वो निर्वांश हो जाए, कोड़े फूटे ओकरा कोड़े। जाके राज बाबू के बोल दो हम आइल बानी। जी जी मुँह अंजा तो मामा जी से कह दो कि इंस्पेक्टर साहब आइल बानी। जी ठीक बा। चलो आइए शर्मा जी कहिए। अरे राज बाबू बड़ा दुख हुआ, आपके साले साहब को गोली मार दिया सब। अब होने को कौन टाल सकता है शर्मा जी, जो होना था सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। वैसे फाइल में मुकदमा तो दर्ज हो गया है, हाँ आपका और आपके साले साहब का बयान लेना बाकी है। जनक तो अभी बहुत क्रिटिकल है शर्मा जी। वैसे उनका बयान बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। अब देखिए इस घटना का कोई भी आई विटनेस नहीं है हमारे पास, आपके साले साहब ही बता सकते हैं कि उन पर गोली किसने चलाई। वैसे आपको तो किसी पे शक नहीं है शर्मा जी, आप तो जानते हैं कि हम ऐसे बिजनेस में हैं जहां 10 दोस्त हैं वहीं 10 दुश्मन भी हैं। अब ऐसे में मैं किसका नाम लूं आपके सामने? फिर भी कोई ऐसा जिसके साथ कभी कुछ हुआ हो या आपको लगता है कि कभी हो सकता हो? जी नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं। ठीक है फिर इजाजत दिया जाए। जनक मामा ई बारू बचेगी ना चाहिए, अगर ई बारू बच गई तो एक बात कान खोल के सुन ला, वो दोबारा तोरे ऊपर अटैक करी फिर तुहार बचल मुश्किल हो जाए। अकी चीजा जी हमरा कुछ बोले से मना के लिया,
अरे वो तुम्हारे चीजा जी होन तो हमारे ससुर जी भी, बाकी तो के नहीं के पता उनकर का कमजोरी है। वो अपन भाई भतीजा के खिलाफ कुछ ना बोल सकेलन, बाकी तू आपन और आपन दीदिया का सोचा। अगर ये हाल रहल तो एक दिन थरिया लोटा लेके भागे के पड़ी। हमार तब दिमाग है काम नहीं कर, मन के अस्थिर रखा, लोहा गरम है, बस एक बार वार करे का जरूरत बा, हमेशा के लिए रास्ता साफ हो जाए। ऐसे अन्नपूर्णा के अनादर ना करे के चाहिए, चला उठा खाना खा ले। ना, जब तक हमार भाई के गोली मारे वाले के सजा ना मिली, हम अन्न जल कुछ ग्रहण ना करब। देखा सुमित्रा, बेसी बात बढ़ावे की जरूरत नहीं की, चला उठा खाना खा। ना, हम ही ना होके दे, लोग हमार भाई के गोली मार दी और हम मुंह ताकत रहा। अरे ऐसे का करता रू, हमरा जे करे के चाहिए हम करा था नहीं ना। अरे रवा पुलिस के बयान तक ना देनी हो, भतीजा के नाम लेवे तकलीफ होता लोग के। आखिर तू चाहत का बारू, ये खानदान बर्बाद होइए के रहे। तो ठीक बा, रवा अपन खानदान देखी, बाकी हमू कसम खैले बानी कि जब तक रुदा के जेल ना होए हम कुछ ग्रहण ना करब। ठीक बा, जे बुझाए से करा, बाकी हमरो एक बात सुन ल, हम ही परिवार के टूटे ना देब। हम हो दिखावा था नहीं कि हम का कर सकेले। केकरा केकरा के समझाई हम, मन तो करता कि ये घर द्वार छोड़ के भाग जाए यहाँ से। इस संसार से भाग के कहाँ जाइब, मुक्ति मां कही। अरे तो का करी दीदी, ये औरत ऐसा नाटक लेके बैठल बा, कुछ सुनने को तैयार नहीं के। अरे उकर बात मानी तो परिवार टूट जाए, ना मानी तो रिश्ता ना आता। ए बाबू, यह ना औरत के माया जाल होला, लेकिन तुम मर्द हुआ आ परिवार में सबसे बड़, जो कुछ भी करिया बाबू सब सोच समझ के करिया, ना तो सब कुछ खत्म हो जाए। खानदान ना माचे दीदी, तू ये घर के सबसे बड़ बार तू आपन दिल पे हाथ रख के बोला, तोरा के का लगा था रुद्रा ऐसा कैले हुई। ए बबुआ, केहू गंगा जी में खड़ा होके भी ये बात कही ना, हमारा ना विश्वास हुई। अरे नया खून हो, अरे गुस्सा में आके भले कुछ बोल देला, लेकिन मन के बुरा नहीं खे। बाकी दीदी, लोग तो ओकरे नाम ले रहल बा। देखा बबुआ, आग में घी डाले वाला तो बहुत लोग होला, लेकिन पानी डाले वाला कम लोग। ये मत भूला कि रुद्रा तोहर आपन भतीजा, अपना बेटा जैसन। कैसन संकट में डाल देले वा ये औरत हमरा के। विवेक से काम ले राजप्रताप, रुद्रा तोहर आपन खून हा, आपन भाई के बेटा। ऐसा ना होखे कि बाद में तोहरा पछताए के पड़े। हे भगवान, कैसन संकट में डाल देला तू।
अजीब बात तो पिकाटे तोड़ दे। अरे आप लोग, हम इनका बयान लेने आए हैं। पर उनकी हालत ठीक नहीं है। हमें पता है, पर हम इंक्वायरी के लिए आए, समझ गई? बस सर, सर। जनक, देखो हम तुम्हारा स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। ये बताओ वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम पर गोली चलाई? जनक, जनक देखो, इधर देखो। अरे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो हैं ही तुम्हारी रक्षा के लिए। ये बताओ कि वो कौन लोग थे जो तुम्हें मारना चाहते थे? हाँ बोलो बोलो। अरे कौन थे वो लोग, बोलो। एक्सक्यूज मी सर, क्या कर रहे हैं आप सर? देखिए पेशेंट इस पोजीशन पे नहीं है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे सके। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपको पहले भी बताया गया है। सर प्लीज आइए। चली खाना खा ले। का खाई है कापी, राधो नींद नहीं खाई। जाता नहीं भैया से खुल के बात करे, जितना देर होई मामला और बिगड़ जाए। रउआ बुझत कहे नहीं की बात कैला के कोनो फायदा ना होई। रउर भैया पहले जैसा नहीं रह गए। अरे अगर वो चाहतन ते एगो नामी गिरामी वकील रख के रउर केस लड़वैतन त रउआ जेल जाए के पड़ी। आउर ताउर एको बार जेलो ना गेलन भेंट करे खाती। जमानत के बाद तो दूर, एगो नया परपंच रच के हमरा लेके के जेल भेजे के तैयारी में लागल बड़ा। हमरो लोकत तो सब बा, लेकिन मन नहीं के मानत। सुनी हमरे और देखी ना रेवा आंखी में लोर, का बात बा हमरा के बताई ना। कुछ ना भाई, हमरा के याद आ गई जब हम 7 वर्ष के रही। उस साल गंगा जी में बाढ़ आए रहे, हम माँ या भैया के साथ गंगा जी नहाए गए। पानी के झोंका आए, हम दहा गए। हमारा के बचावे खातिर कोई ना आई, हमारे माए रोए लगे। तब भैया कूद कर हम जान बचे ले रहे। अगर उस दिन भैया न रहते था आज हम जिंदा न रहते। तो हम कैसे भुला जाएंगे उस दिन? पता ना हमर खानदान के केकर नजर लगल बा। देखी हमरो मन रह रहा के बहुत डरा था, इन्हें उन्हें के कोनो बात भेल तो कोनो बात ना, बाकी रउआ साथे कोनो ऊंच नीच हो जाए तो ही हमरा से बर्दाश्त ना हो। हमार बड़हम बाबा जानते कि 10 साल हम रउआ बिन कैसे कटले बानी।
बाकी अब ना कटे, जीते जी हम मर जाए, यही से कहते नहीं कि रघुआ हो जा ना जाए, ना जाए रघुआ हो जा, रघुआ हमार क्रिया। ठीक बा, लेकिन हमरा के भैया से फोन पे तो बतिया लेवे था। हेलो भाभी, हम जय बोलत नहीं। ठंडा गेल करे जा, हमार भाई के गोली मरवा के। कैसन बात करत रहो भाभी, जनक राव भाई है तो हमरो तो अपन रिश्तेदार भाई। उहे रिश्तेदारी तो निभैलो अपन बेटा से गोली मरवा के। भाभी रउआ गलत फहमी हो गेल बा, हमार बात समझे की कोशिश करी। रुद्रा ये काम देखे कहले, लोग तो चाहता कि दोनों भाई में लड़ाई होके अलग हो जाए। काहे तू और तोहर मेहरारू भी तो यह चाहता रहा ना। अभी बंटवारा आज नकल तो होबे करी, बाकी रुआ ये कैसे सोच ले ली कि बंटवारा खातिर हम ऐसा कुकर्म कर सकेले। अरे तू लोग कुछ कर सकेला, धन संपत्ति के खातिर तो लोग अपन माई बाबू जी के मुआ देता। तो जनक तो तुम्हारे भाई के साला हो। हम पूछता नहीं कि तू लोग गोली ना मरला तो आसमान से आए रहे लोग। भाभी बंटवारा तो हमनी के बीच में होए वाला बा, ई में जनक से कौन दुश्मनी है हमार। दुश्मनी जनक से ना, हमरा से हो। जब से बिहा के आई नहीं हई घर में, हमरा सीधा आंख ना देख सके कोई। कैसन बात करता नहीं भाभी, रहुआ खातिर हम का ना कही नहीं। बचपने में हमारे माई छोड़ के हमरा के चल गई, रहुआ के हम माई जैसे पूजनी। अरे तो हम वो अपन लड़का जैसे प्यार देनी, ओकरा बदला मिल गई हमरा। अरे हम भुला गई नहीं, हम भुला गई नहीं कि पटीदार पटीदार होला केहू का ना होला। हमरा पे विश्वास करी, रहुआ भैया से हमरा कोनो दुश्मनी नहीं है। जरूरत पड़ला पे आज भी भैया खातिर हम जान दे सकीले। का लगता तोहरा के हमार भाई के गोली मरवा के तू लोग चैन से रहबा, तो हम ई ना हो खेते। कसम खा के कह दने कि हमार भाई के बदला हम ना लेनी तो सोनपुर के बेटी ना। भाभी से पहले ही कहानी है कि अब वो लोग पहले जैसे नखे रह गए, मन में बेईमानी समा गई बा वो लोग के। सच्चाई भी कोई चीज होला, अगर हम सच्चा हैं तो रुद्रा के कुछ ना होई। हम वो देखता नहीं जे तोरा के गोली मार ले बा के ओकरा के बचावेला। हम वो सोनपुर के बेटी हैं, ओकरा जिए ना दे। पुलिस के सब सच सच बता दे ना तो रुद्रवा अंडरग्राउंड हो जाए। बुझाइल जीजा जी हमरा के ओकर नाम लेवे खातिर नेखे कल। अच्छा तो जीजा जी के आज्ञा का पालन होता हूं। उनका के तो अपना पराये में फर्क नहीं है बुझात। तू तो अंदर नहीं थे ना, काले जे गोली से तोड़ जान चल जाए तो माँ बाबू जी के क्या जवाब देती। बुझात नहीं के कुछ भी, इतना होला पे भी जीजा जी जीजा जी के माला फेरता रहे। प्लीज मैम आप जरा धीरे बात कीजिए, पेशेंट की हालत बिगड़ सकती है। सासू मार हुआ सोला ना सही बोला था नहीं। अरे जाना था जाना, तनिक समझाइए एक राके।
वो राक्षस लोग एकर जान के पीछे पड़ल बा बाकी एकरो तने को सुनते के। अच्छा रहे जो तोरा सोनपुरे में छोड़ले रहती वही जा ढंगरिया रहत भूखे प्यासे मरत रहत। सोचने के यहाँ इतना जमीन जायदाद पसरल बा और केहू देखे वाला नहीं खे इस एकरा के ले आई ने के मालिक मुख्तार बन के बैठ जा जिंदगी सवर जाए और होई जा माँ बाबू जी के बुढ़ापा निकल जाए। बड़ी दूरदृष्टि बा। अरे आजकल के जमाने में कौन लेके अपन नैहर के बारे में इतना सोच ले। धन है सासुमा धन है हमार मन करत बा राउर गोड़ छूले। अरे खुश रहे रउआ तने एक अक्कल पर पड़ल ताला खोली। देखत आनी ना मामा अब देर मत करी रउआ रुद्रा के बारे में पुलिस के कनकट्टा गईला है इस साला जनक मामा गोली लगला के बाद भी बच गई सारा खेला गुड़ गोबर कर देलस मरबो ना कहिल और अब तक रुद्रा का नाम भी नहीं खेले। हम तो रउआ से पहले कहले रही जनक मामा के कौनो भरोसा नहीं कप्पो पलट सकेला बेपेंदी का लोटा हवन मन तो करत बा हॉस्पिटल में जाके चिड़वा पी जो दई। रउआ चिंता ना कर माई उनका से बुलवाइया के छोड़ी। माई बुलवाइया और बाऊजी बाऊजी के तो आग में पट्टी बंधल बा उस सरो घर में चढ़ के आगे गोली दाग के गेलस और बाऊजी ओकरा के बचावे में लगल होन। पापा ता मानिए जैतन बीच में बुआ जी आके सब खेल बिगाड़ दे रहिए ई घर में खाइए ई घर में बाकी भलाई सोचिए ओकरा घर की। इनके भी टरकावे का कोनो ना कोनो इंतजाम करे के पड़ी। देखी रउआ बेसी देखार होए के जरूरत नहीं खे रउआ ई घर के दामाद हैं। ई साला यहाँ कहाँ से इकरा के तो हॉस्पिटल में रुके के कह ले रही। मेहमान ओ मेहमान अरे तू यहाँ कहाँ तू तो हॉस्पिटल में छोड़ के आइल रही ना। मेरा नहीं है उ दुनू का उ दुनू आइल वाला सो चुप चुप चल चल तो के मना के ले रही ना कि अभी मिलेगा कोनो जरूरत नहीं क्या कोई देख ले तब अपने तब मर बे हमों के भी मरोई बे। अरे उ दुनू पैसा मांगता रसो पैसा भैल नहीं पैसा चाहिए तू चल हम देखा था नहीं चल कितना खिसिया रहे थे मना किए थे ना अब पैसा का जरूरत था तो क्या करें अभी पकड़ो 50,000 रुपया है और तुम लोग चुपचाप इधर से एक महीने के लिए कहीं फरार हो जाओ। ऐसा बात आज के बाद तो हम मुंह ना दिखाए। अरे जी एक बात कान खोल के सुन लो हमसे बेसी होशियारी मत दिखाना तो तुम लोगों का पत्ता साफ करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा समझे। क्या बोल रहा था? कुछ नहीं साला पैसा दे बड़ा चेंचे पेपे कर रहा है। चेंचे पेपे क्या करेगा ससुरारी का माल अकेले के लिए खींचेगा का साले को गोलियां मार देंगे।
जनक, एक बार हमका सच सच बोलता, रुद्रा तोरा के गोली मर ले। देखा जनक, हम तोरा के हमेशा अपना बेटा जैसन मान ले, तो सब कुछ हा हमरे खातिर। एक बार बस अपने मुंह से बोल दा कि वो रुद्रा रहे कि ना। देखा बच्चा, हम बहुत परेशान बने, और तू अपनी दीदिया के तो जाना था, खाना पीना सब छोड़ के बैठल बानी। बस बेटा, एक बार अपने मुंह से बोल दा कि वो रुद्रा रहे कि ना। एक बार बोल दा बच्चा, बस एक बार हमका विश्वास दिला दा। बोल दा बच्चा। बच्चा एक बार बोल दो। देखा थोड़ा के हमार कसम, एक बार बोल दो बच्चा। बोल दो बच्चा, वो रुद्रा रहे कि ना, बस इतना बोल दो बच्चा। बोला हेलो, हेलो, के बोला था? तोर बड़ पापा बोल रहल बानी। जय कहाँ बारे? पापा सुतल बड़े हैं। बोली का बात है? हमरा उनकरा से बात करे के बा। जे बात करे के बा, रउआ हमरा से कह सकता नहीं। हम कोई बच्चा नहीं खे, अभी घर के अच्छा बुरा हम सोच सकता नहीं। मालूम बा, रातों रात तू सयान हो गए बारा। अच्छा एक बात बतावा, ये जनक पे के गोली चले ले बा? अच्छा रउआ नहीं का मालूम? राउर पहचान तो बहुत दूर दूर तक बा। इतना पहचान होके के बाद ये छोट मोट जानकारी खातिर हमार जरूरत कैसे पड़ गई? ए बच्चा, हम तोरा से सीधे सीधे पूछता नहीं, ये जनक के गोली के मर ले बा? कहे ओकरा गोली मार वाले के गोली से मार दे। तो एक बात समझ ले, हम ही गोली मार ले। अब रउआ के जे हो सके लाओ कर ले, ये हमारा ओपन चैलेंज है। हो गई बात भाई से, मन जुरा गए नो। इतना सब कुछ हो गई घर में तो वो भाई के फोन करे से ना चुकली। देखा बेसी बात ना कर हमरा से। काहे काहे ना करी हम बात? हमार भाई के रहो भाई गोली मरवा देलस, वो भाई के मुंह नहीं खचुता। देखा बात समझे की कोशिश करा, अरे परिवार के मामला हो, कल होके कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम कहां करब? का दुनिया के मुंह दिखा, बाऊजी के काम दिखा। तो ठीक बा, हमें जाता नहीं गंगा जी में डूब के जान देवे, और कह दे हैं अपन बाबूजी से कि भाई भतीजा के बचावे खातिर मेरा रुके गंगा जी में डूबा के मार देनी। देखा सुमित्रा, हम पहले से बहुत परेशान बानी, और परेशान न करा हमरा के, और जाइए यहां से। सब डूब के चलते हमें है ना, हम ज्यादा नहीं डूब के जान देवे। अरे सुमित्रा सुमित्रा, जनक हमार साला हो, उकर साथ
जे कुछ भी भइल ओकर दुख हमरो हो बाकी बाकी का भाई भतीजा के मोह ना छूती तो हमरो सुन ली रहुआ अपन भाई भतीजा के ना छोड़ सके तो हम अपन नहर के ना छोड़ सके। अरे सुमित्रा केकर केकर सुनी हम तू हमने के जिए देवे कि ना कितना बार कहनी कि ओकनी से मुंह मत लगाओ एक तो ऐसा ही दुश्मन बन के बैठल बाड़ा सन तो दुश्मन बन के का बिगाड़ ली हमार करते तो बा कि झूठ मूठ के मर्डर केस में फंसा होता कुछ ना होके सब पैसा के घर में धरल का धरल रह जाई। अरे तोरा आपन चिंता नहीं खे बाकी बाप के बारे में तो सोच 10 साल बाद घर आयल बाड़न उनका के तो चैन से रह दे तुम कह देना उनका से हमार चिंता करल छोड़ दे हम अपन ध्यान खुद रख सकला ई घर में तो रहले बेकार बा हम जाते नहीं इतना रात के कहां जाते रे तू ते घर में रहके का अपन खुंज रही हम तो फालतू है ना घर के तू लोग भोगा हम रहके का अरे सुन हम टेंशन में ना रुद्रा हे भगवान का जाने कौन नक्षत्र में एकरा के पैदा करनी जौन दिन से पैदा भइल एको दिन चैन से नखे रह देले भगवान ऐसा औलाद दुश्मनों के ना देस कहां चल गेल राज प्रताप मोहन हाँ मालकिन साहब के कहीं देखला हो उ तो ओने बैठा बा देखा तनी घर भर खा लेलस पी लेलस आई बिना कुछ खइले पीले हिजा बैठल बा का बोली अब हम एकरा के राज ए बबुआ तू हिजा बैठल बा हां खाना पीना काहे नहीं खात अरे खाना पीना से भला कैसन दुश्मनी अरे का खाई और का पीही दीदी ई घर में तो सांस लेहल भी दुबर हो गेलो मेहरारू से लेकर भाई भतीजा सब हमार दुश्मन हो गेलो ए बाबू केहू तहर दुश्मन नहीं है सब कोई के मति फेरा गेल बा चल मुंह में कुछ डाल ला खाना बसिया था ना दीदी अरे का न कहनी घर के खातिर भाई भतीजा के अपना से बढ़कर कहनी ओकर परिणाम आज ही है कि कोई सीधे मुंह बात करे का तैयार नहीं है जय प्रताप से कुछ कहा सुने हो गए ना का है? तू अपना आंख से देख लू ना दीदी जय प्रताप का बोल के गई हमरा के अरे हमरा से क्षमा मांगे के चाहत रहे उल्टे हमरा के चैलेंज करके गई अरे वो का करे बेचारा ओकरो मेरा रूप कम नहीं है दिन रात कान भरत रहे ले अरे रुद्रा हमार भतीजा होके हमरा से दू तड़ाक करके बात करता हम ओकरा से फोन पर प्यार से पूछ ली कि बेटा तू जनक पे गोली चले लो ना वो तो सीना ठोक के बोला था हाँ हाँ चले लो कर ले जो करे के बाप अब तू कहे इतना खिसिया तरह अब का कह जाइए ओकर महतारी अपना लेके आके बिगाड़ के रख ले लिया बिगाड़ के रख ले बारी तो भोगी है लोग हमरा चुप रहे से का हो पुलिस तो चुप ना रही अब होई केस मुकदमा जाई बेटा जेल में अरे ना बबुआ ई मत होके दिया हमरा खानदान के इज्जत बाटी में मिल जाए अरे तो ये खानदान की जिम्मेदारी हमरे बा उ लोग की जिम्मेदारी नहीं है अरे एक बार हमरा से झूठे बोल दे कि हम गोली नहीं खे चलाई ले लेकिन ना वो तो सीना थोक के बोला था कि हाँ हमारी गोली चलाई ले तब का करी अब का करवा ओकर मति मरा गेल बा बाप 10 साल जेल भोग के आइल ना अब ओकरो कुछ लिखल बा ए दीदी हमरा के दोष मत दिया लो हम अपना तरफ से कुछ ना बोलब बाकी पुलिस की कार्रवाई हम ना रोक सके कल जनक के बयान दर्ज हुई केस मुकदमा हुई बाकी दौड़िए कोर्ट कचहरी ए सनेहा सनेहा अरे ए बच्चिया कहाँ बड़ी तहर माई का बात है बुआ इतनी रात जरूरी बात करे के बात हरा माई से ए रुद्रा के माई कहाँ बड़ू हो दुलहिन अरे दीदी जी आई ना भीतर अरे आई बेटा पहले बताओ रुद्रा कहाँ बा रहुआ तो जानते बानी दीदी जी एक मिनट होकर गोर घर में ना रहे चरखी लागल बा ओकरा गोर में छुट्टा सांड बना के रखले बड़ू लड़का के अरे वो ओकरे पर जवानी चढ़ल बा का ताल ठोक के कहता कि हाँ हम चलौले बनी गोली देखी दीदी जी हम ये बात मानत नहीं कि हमार लड़का बिगड़ गई बा बाकी वो ये काम नहीं कैले वो नहीं कैले तो के कैले बा पक्का बामन वीर बना के रखले बड़ू लड़का के
जब पुलिस आई ना आ धर के ले जाई तो बैठ के लोर चुआवत रही। वो तो हमारा किस्मते में लिखल बा। जौन दिन से ब्याह करके आई नी घर में लोरे चुआव तो दिन बीता था, एक को सुख ना देखी। कहा बेटा कहा भतार। अरे वो सब छोड़ा, रुद्रा के बोलो जाके राज प्रताप के गोड धरे। बात अब हमरा बस में नहीं खे रह गई। एकरा पहले कि आग लागे, अरे घर के जर से बचा लो लोग। घर में अपन हाथ से आग लगावे के तैयारी कैले वालो तो घर कैसे बची? लोग तो कहा था कि साजिश रचे में राज प्रताप सिंह के हाथ था। वो कहे के साजिश करी? काहे साजिश रची? अब हम तोरा के सब किस्सा बतावत। आवे ना तब सब किस्सा सुन के जा, सब बतावत आनी। देखी सब साजिश बा धन संपत्ति खातिर। हम जेल से आके अपन हिस्सा मांगता नहीं तो देवे के नियत नहीं खे तो नया बवंडर खड़ा करता लोग। हमर बेटा के झूठा मुकदमा में फंसावे के कोशिश करता लोग। तो का ई कैले से बंटवारा ना होई? भतार जेल गई, बेटा भी जेल जाई तो हम अपन हिस्सा छोड़ देव? इतना दिन से बैठ के हमरा धन पे राज करता लोग। अरे चुप रहा हो, बेटा जेल जाई तो सब धन भी ला जाई। पहले रुद्रा के बचावे के उपाय करो लोग। ए दीदी जी, जो दिन रुद्रा जेल चल गई ना तो हम पूरा संसार में आग लगाते, सब जला के सुहा करते हम। अरे तू का सुहा करवा, सब जर के अपने आप सुहा हो जाई। अरे जब लड़के ना रहे घर में तो धन संपत्ति कौन काम के हो? अब हमरा तो कुछ नहीं के बुझात, तो हम लोग के जे बुझाए से करो लोग। हमरा जब देखल नहीं खेजा, अब हम चलो तनी हमारे कपार भी दुखाता। भगवान सब देखत रहे के चोर है के साथ, अब वह फैसला करिए। रुआ तो अंतर्यामी है, सब जानी ला। हमार लड़का निर्दोष बा, होकर रक्षा करी भोलेनाथ, होकर रक्षा करी, दुश्मन के कुचक्कर से बचा ली। अब की सावन में हम जल चढ़ावे बजनाथ, हम कांवर लेके आए। हमरा लड़का के बचा ली भोलेनाथ, हमरा बच्चा के बचा ली। ऐसे ही गुंगा बन के बैठल रहत के कुछ बोला? इतना सब कुछ हो गई, बाकी राउर मुंह नहीं खुलत। आज पुलिस जनक के बयान लेवे वाला बा। देखा सुमित्रा, हमार कपार दुखा था, का सुने चाहत हमरा से? काहे रउआ कहला पर हमार भाई अब तक मुंह बंद करके बैठल बा। तो जाके बोले ना कि मुंह खोलस, हम केहू के मुंह नहीं खे बंद कर ले। सुन ले इनकर बात, अपने जाके जनक के मना कई कहले हम। अब कहता रहे हम केकरो मुंह नहीं खे बंद कई ली। रवा का चाहता नहीं बोली ना? हम कुछ नहीं के चाहत, जे सुझे जाके करा सब लोग, हमरा से पूछे की जरूरत नहीं के। देख ले लू अपन बाबूजी के कारनामा, हनुमान जी के हृदय में राम बसल रहन और इनका के हृदय में भाई भतीजा बसल बा। बाबूजी रउआ चुप रहा तू, परिवार के मामले में लड़का फेंका के बोले की जरूरत नहीं खे। काहे काहे ना बोली लड़का? परिवार पे अत्याचार होई तो लड़का बोल पे करी। ऐसा कौन सा अत्याचार हो गई? जरा हमऊ तो सुनी। अरे रुद्रा आके रउआ के बंदूक दिखा गई, राउर भाई आके खुलेआम धमकी दे गई, हमार भाई के ऊपर जानलेवा हमला भई, और का चाहता नहीं रउआ?
हाँ बाबूजी, पुलिस का दबाव काफी बढ़ गई बा और जनक मामा का बयान रोकल ना जा सकेला। बाबूजी रहुआ कहीं तो हम जाके जनक मामा से बात कर लें। अब बात का करे के बा, कोई धोखा फरेब करे के बा का? जे भइल बा सच सच पुलिस के बयान देवे के बा बस। अब केहू ना बोली, हम बोलता नहीं। रोवा बेसी देर मत करी, जाए जी। जे जैसन करी वैसन भोगी। हाँ तो जनक बाबू, आप बयान देने के लिए तैयार है ना? चुप रहने से कोई फायदा है? आप पूछिए, हम तैयार हैं। जिसने आप पे गोली चलाया, आप उसको पहचानते हैं? क्या बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब, यमराज साथ सामने खड़ा था और आप कहते हैं कि पहचानते हैं। कौन था वो? आप उसको देखे हैं ना? बोलिए, जब उसको देखे हैं तो बताइए कौन था वो। आप बोलिए ना मामा जी, जो जो भी सच है वो बताइए ना इंस्पेक्टर साहब को। क्या बोले, हम तो सपने भी नहीं सोचे थे कि वो हमरा पर गोली चलाएगा। वो हमरा जान से मारने की कोशिश करेगा। उसका नाम तो बताइए। कहा बताए, अपना भगना है। रुद्र हसत रहे लोगवा मिटे नहीं निशानी, होला हर इंसान के लहू में भी असर खानदानी। आन से भी न्यारा खानदान, जान से भी प्यारा खानदान।